Better buffalo. गधा कहीं का, जो भी काम दो उसमें नुकसान के अलावा कुछ और नहीं करता। तू भी इस ट्रेन में अपने माँ बाप के साथ मर जाता तो अच्छा होता, यहाँ रह के मेरी दुकान बंद करवाएगा। मेरी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने मुझे धक्का मारा। ऊपर से सामान चलाता है। मामा जी कहते कहते किसी दिन तेरी दोनों बेटियों को भगा के ले जाएगा, संभल कर रहना, नालायक है ये। ये ले, सुबह होते ही तू यहाँ से दफा हो जाना, तेरे बाप के भी तो तीन भाई है ना। सुनिए जी, मासूम बच्चे हैं। तुम चुप करो, इसकी अकड़ मैं जानता हूँ, बाप पे जो गया है। ले पकड़, सुबह होते ही तू यहाँ से निकल जाना, चल। देखा ना, खाना खा ले बेटा, देखना थोड़ी देर बाद वो लोग शांत हो जाएंगे। आने के बदले आप मुझे कोई काम देंगे क्या? आप मुझे काम दोगे तभी मैं खाना खाऊंगा। ठीक है, दूंगी, पहले खा ले। वो इंजन काम नहीं करेगा, मेरी बात मानो, एक्सीलेटर जाम हो जाएगा। बेकार में 1,00,000 रुपए बर्बाद करने पर तुले हुए हो। चाचा जी टेंशन मत लीजिए, देश में कितने सारे लोग पैसा जुए और बेटिंग में वेस्ट कर रहे हैं। हमारे इस काम में रिस्क है, लेकिन इस रिस्क में दम है चाचा जी। आप देखिएगा, ये मॉडल तो सुपर हिट होगा, इस डीजल इंजन से पेट्रोल इंजन के मुकाबले 2 गुना ज्यादा माइलेज मिलेगा। ओए मामू, शटर ओपन करो। ओए स्केच चाचा जी ने बनाया है, इंजन मैंने बनाया है, तुम लोग कहाँ ऊपर हाथ जोड़ रहे हो हैं? भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अब चलो बैठो। चलो यार बैठो, कौन सुनेगा नहीं तो इसकी भाषण। बैठिए चाचा जी। अरे बेटा पहले तुम स्टार्ट तो कर लो। ठीक है, पहले आप बगल में खड़े होकर अपनी मूंछ पर ताव दीजिए, उसके बाद ही मैं स्टार्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। ये मानेगा नहीं। जरा मुस्कुरा के चाचा जी। बिल्कुल एक राजा की तरह आप अपनी मूंछ घुमाइए, बिल्कुल देवर में। नहीं हुआ ना चालू, मैंने कहा था ना। डीजल की गाड़ी आखिर चालू हो गई, चाहे कुछ भी हो, होनहार लड़कों को पाल रखा है इंजीनियर तूने। ये अपनी डीजल वाली गाड़ी सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल। ऐसे में मेरी डीजल वाली गाड़ी देख, देश की पहली डीजल मॉडल है। अरे बात बढ़ो भाई लोग, बात बढ़ो। लगता है कोई नई डीजल मॉडल है, लड़कों को देखो खुशी का ठिकाना नहीं है। मेरी बात कान खोल कर सुन ले, मुंबई से लेकर दिल्ली तक हर तरह के स्कूटर के जितने भी पार्ट्स चाहिए उतने लाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन गाड़ी का सिर्फ 10,000 ही दूंगा। मेरे आइडिया से व्यापार करके मुझे ही नौकर बनाना चाहते हो? 2 साल की मेहनत से बनाया है ये मॉडल, वही मेरी जायदाद है, वही मेरा स्वाभिमान है। व्यापार के बारे में बात कर रहा हूँ और तुम हो कि आंदोलन की बात कर रहे हो राजा राम। इंजन तोड़ कर इसी गली में बनवाऊंगा राजा राम। अगर हिम्मत है तो जाकर बना लो। क्या कहा बे? यही है मेरी सत्ता, यहाँ तुम्हारे आइडियाज नहीं रूल करते हैं समझे, बल्कि हमारे हथियार चलते हैं। तुम्हारी उधारी हमारे नए धंधे का आधार होगा, दस्तखत करो बुढ़े। रुक जाइए चाचा जी, अब तक आपने बहुत दस्तखत कर लिए, उधारी पूरी होने तक गाड़ी के 10,000 हम ही देंगे, बोल दीजिए। देखो दूध पीते बच्चे, तुम जैसा चाहो वैसा चले, ये हमारे बैंक का रूल नहीं है, सुब्रमण्यम की बैंक है। शाम तक वो कागजात दस्तखत करके हमारे पास पहुंचा दो तो ठीक है, वरना ये देवा हवा के झोंकों की तरह नहीं आएगा, बल्कि अपने लश्कर के साथ भारी तूफान की तरह आएगा। ये मेरे चाचा जी को मारने के लिए था, तेरी लश्कर तो क्या, अगर हमारे गैरेज पर दोबारा दिखा तो तू 4 कंधों पर जाएगा। चलेगा Yeah.
खूब झक्का। ये भाई दिखता नहीं क्या? ओए मामू, हम तो स्लो मोशन में चल रहे हैं, पर स्लो मोशन में चलते हुए हमें कोई देख ही नहीं रहा। चलो भूख लगी है, चलकर कुछ खाते हैं। चलो। पांच कुर्सी और एक टेबल चाहिए। खाने के लिए चाहिए कि पहुंचने को? बैठने के लिए। खाली नहीं है, खाना है तो वेट करो, पब्लिक बहुत है। इसकी 12 बजाऊं? अबे इस पूरे शहर में एक ही मैस है क्या? चलो यहाँ से निकलते हैं। सुन मामू, एक महीना, एक महीने के अंदर हम अपना मेस ओपन कर लेंगे यार। डीजल गाड़ी से आने वाले पैसे से हम अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। बिजनेस? हाँ, टेबल खाली है, फॉलो मी, मैं अपना मेस खोलूंगा। नाना एक लड़के हैं, सब लोफर हैं। गेटअप कैसा लगा सिमी? बहुत अच्छा है। ओए मामू, इस शहर में सिर्फ एक मेस ही नहीं बल्कि सुंदर लड़की भी एक ही है। अब सिमी को देखो, दो चूटी बांधकर कितनी खूबसूरत लग रही है। सिमी, उनसे क्या बातें कर रही हो, जाके पढ़ाई करो। आपके सब नालायक है। अबे देख वो कुछ बड़बड़ा रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है यार, वो समझ में नहीं आ रहा यार। नालायक बोल रहा है यार। इसकी तो नलायक बोला, हमको नलायक बोला। हमारी डीजल गाड़ी एक नंबर है, महीने में हम 25,000 कमाएंगे, हम कैसे नलायक हुए यार? उसके कहने का मतलब ये नहीं था यार, वो कहना चाहता है कि छोटी वाली को पप्पू और बड़ी वाली को मैं लेकर भाग जाऊंगा। अब बैठ जा। मैं छोटी वाली को लाइक करता हूँ लेकिन उसके पीछे पागल नहीं। मुंह बंद कर। वैसे ही सिमी दिखाई नहीं दे रही है, मुझे थोड़ी देर लाइन मारने दो यार। सुनो, मुझे तुम्हारी डीजल वाली गाड़ी पे ड्राइव पर लेकर चलो ना। यहाँ कोई चिट्ठी फेंक के गया, कौन है वो? तू बैठ। मुझे तुम्हारी गाड़ी में ड्राइव पर लेकर चलो ना। ए, अपने गैराज का काम छोड़ करके यहाँ भुखमरों की तरह खाना खा रहे हो? चलो उड़ो। क्या हो? उसका काम हो गया ना, चलो यहाँ से। ए, पैसे। ये लो पैसे। क्यों रे मेरे हीरो, लड़की मिली तो हमको भूल गया तू है? अरे नहीं यार, तुम लोग तो गाड़ी के बगल में बलून और फूल लेकर भागोगे। अबे इसका मतलब ये हीरो और हम जीरो और वो हीरोइन। मार दो इन सब कुत्तों को, कोई बचने ना पाए, एक एक को चुन चुन के मारो। सिमी, दौड़ दो ये सब, कोई बच ना पाए, सब कुछ बर्बाद कर दो। तेरे बच्चे को छोड़ दो, मत मारो, तुम्हारे आगे हाथ उठा के मार फेंक दो इसे। अरे अरे अरे, हमारे बच्चे को छोड़ दो, मत मारो रे पापियो, अरे उन्हें छोड़ दो। अरे सुनो सुनो, कोई तो बचाओ हमारे बच्चे को। अरे छोड़ दो उन्हें, अरे छोड़ दो, अरे कोई तो बचाइए। ए बंटी, बंटी,
हाँ भाई, इस शहर के अपने देवा को किसी ने मार दिया है। तुम वहाँ घास काट रहे हो, तुम्हारे भाई भाई कर रहे हैं? अपने सारे आदमियों को मार दिया भाई। हमारे साम्राज्य पर आंख उठाने की हिम्मत किसने की? 18 से 20 साल के मैकेनिक लड़के थे भाई, एक मर गया, एक जेल गया, बचे 3 बाहर घूम रहे हैं भाई। भाई आप रखिए, मैं संभाल लूंगा। उनको मारने की बजाय यहाँ पर उनकी खबर लेकर आया है, चलो मारते हैं उनको। ए, रुक जाओ, जो मर गया वो तुम्हारा बाप था या भाई था? इतने जोश में हो? उन लड़कों को लेकर आओ, उन्हें अपने धंधे में लगाऊंगा। इस पैसे का नाम ही धंधा है, उसके बाद ही मिलता है पदवी और प्यार। सोलह साल की उम्र में मर्डर करके जेल में आ गया, तुझे जिंदगी में डर नहीं लगता है क्या? मर्डर मैंने नहीं किया है सर, क्योंकि मुझे जिंदगी से लगाव है और प्यार भी है। इंसान का चरित्र कैसे बनता है ये हालात तय नहीं करते, इंसान खुद तय करता है। रही तुम्हारी 5 साल की मेहनत की कमाई। मेरी इतनी लंबी सर्विस में तुम पहले लड़के हो जो डिग्री लेकर बाहर जा रहे हो। सूर्या, जेल की जिंदगी में तुम सफल साबित हुए हो, बाहर की जिंदगी में तुम्हारा असली इम्तिहान अब शुरू होगा, संभल कर रहना। एक इंसान को कैसे जिंदगी जीनी है यह हालात तय नहीं करता, बल्कि इंसान खुद तय करता है। चलता हूं चाचा जी। ये क्या पागल बंदरों की तरह तेरा गेटअप है हा? देख भाई, तुम्हें बुरा लगेगा इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, वैसे मैं मैकेनिक का काम छोड़ चुका हूँ, अब मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ये कंप्यूटर इंजीनियर और वो अकाउंटेंट। बाय द वे, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। सूर्या, अभी तू इसे रख ले तेरे खर्चे के लिए। बाय। उसमें मेरा 50 है और उसका 50 है, ठीक है, चलता हूँ। देख लिया दोस्त इनकी फ्रेंडशिप कैसी है, लेकिन मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, किसी भी मदद की जरूरत हो तो बेहिचक मुझे कह देना। ये लो 1000 रुपए, रख लो, अच्छा सा काम शुरू कर लेना, कोई बिजनेस, मुझे याद करना, चलता हूँ। 1000 में कौन सा बिजनेस? दोस्त, चैलेंज फिल्म में चिरंजीवी 100 रुपए से बड़ा आदमी बनता है, तुम्हारे पास तो 1000 रुपए, और याद रखना मैं भी हूँ, ठीक है ना, चलता हूँ। बाय। देखा बॉस, बस स्टॉप के लिए राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, इन स्वार्थी लोगों ने मुझे ये भी नहीं बताया। खैर कोई बात नहीं, ये सूर्या खुद रास्ता ढूंढ लेगा। ये सारे के सारे अपुन के फंटरी है भाई, वो इनका फ्रेंड है, आज ही जेल से छूट कर आया है। उनको बोल शोर शराबा हो रहा है, बंद कर। ए, बंद करो ये। नमस्ते भाई। अबे ये क्या है, बिना बताए मुझे नीचे उतार दिया। चल पहले यहाँ से निकल, बाद में बताता हूँ।
ए, एक चाय दे। बोलते ही चाय मिल जाएगी, कोई लोकल चाय की दुकान नहीं है, ईरानी चाय की दुकान है, इंतजार कर। ए, कौन है वो, ऐसे क्यों खड़ा है? अरे भैया, इन्हें नहीं जानते? गाड़ियों में मोटर फिट करने वाले महान आदमी है ये। अभी यहाँ खड़े होते ही गैस से मशीन बनाने का आइडिया आया, वही बता रहे थे। वो खुद ही गैस की दुकान लग रहा है, उसे क्या लाइन में खड़ा रहे? अरे भाई, रुक जा। ए, इसकी टी स्टॉल का नाम याद रखना, इसकी दुकान बंद करवाता हूँ, अभी चलो। आई विल बैक। अबे तेरी तो बैटरी की गाड़ी बनाएगा? हाँ यार। मेरे भाई, हम ट्रांसपोर्ट से चार पैसे कमा रहे हैं, तू क्या चाहता है हम सब भूखे मर जाएं? ए सुन, बहुत पहले की टेक्नोलॉजी है यार, मेरे पास एक डिजाइन है, अगर हमने इसे बना लिया ना तो हमारा अच्छा खासा बिजनेस हो जाएगा। अच्छा, करंट खोजने वाले थॉमस एडिसन ने भी इतनी जल्दी नहीं खोजा था। हैं? स्केच तो अच्छा बनाया है, कौन सी कंपनी से हो? सेंट्रल जेल। सेंट्रल जेल तो ऐसे कह रहे हो जैसे कोई कॉर्पोरेट कंपनी हो, हम जेल से बाहर हैं तो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तू कहीं भी हो कोई फायदा नहीं होगा, गैस की बदबू आ रही है, चल निकल। ए भाई, जानता है ये कौन है? सुपर मैकेनिक ब्रह्मा। इस पूरी बस्ती पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं पागल लोग। इसकी स्मार्टनेस देखकर डर लग रहा है यार, इमीडिएटली मैं गैस का काम तमाम करके आता हूँ, तुम अभी गैरेज पर जाओ। आज तक तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, अब पता नहीं क्या करने वाला है। देख यार, कोई भी नया काम शुरुआत में करना नामुमकिन ही लगता है, मेरी बात पर यकीन तो कर यार। हे भाई, इस दुनिया में तू ही एक होशियार पैदा हुआ है, तेरे प्लान को सक्सेस करने के लिए हमें गैराज चाहिए, पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा ये सब? पहले उस यूनियन में मेंबरशिप ले ले, फिर देखते हैं। यार ये रघुनाथ चाचा जी कहाँ है? उन्हें दुकान बेचे हुए 4 साल हो गए, अब वो जिंदा भी है कि नहीं किसी को कुछ पता नहीं। पहले पैसे लेते वक्त ब्याज कितना भी लोगे चलेगा, कहा था ना आपने? कुछ तो कम कीजिए। हाँ, बाद में बात। भाई एक आइडिया है, तू मामा से मिल जा, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। उनकी चिटफंड कंपनीज हैं, 1 दर्जन लॉरीज हैं, 2 बड़े बड़े शॉप्स हैं और महल जैसा बड़ा घर, बहुत माल है भाई, बहुत माल। उसके पास एक और चीज है ना, उसके बारे में क्यों नहीं बताया यार? भाई एक शॉकिंग न्यूज है यार, सिम्मी की कल सगाई है। क्या बोल रहे? वैसे भी इस न्यूज पर मैं क्यों शौक हो जाऊंगा, वैसे लड़का कौन है यार? शेट्टी बाबू है ना, ज्वेलरी शॉप वाले, उनका बेटा है वो। ए, एक शॉकिंग न्यूज और बताऊं क्या मैं? सिमी है ना, उसने भी उससे प्यार किया है। वैसे ये भी कोई शॉकिंग खबर थोड़ी है, अब वो पढ़ा लिखा होगा, सुंदर होगा तो प्यार भी हो गया होगा। जरा इसकी शक्ल तो देखो। नहीं यार, मेरी सिमी को उससे प्यार नहीं हुआ होगा, उसके मामा ने उसे डराया धमकाया होगा। नहीं रे बाबा, सच्ची में प्यार हुआ उसको, माँ कसम। क्यों बे? हाँ। पर तू परेशान मत हो यार, सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं और तेरी वाली भी ऐसी ही निकली। अबे चल, मैं कोई परेशान नहीं हो रहा हूँ, वैसे भी मेरा मन तो इस बैटरी पर लगा हुआ है। लड़कियाँ तो आएंगी जाएंगी यार, लेकिन बैटरी तो परमानेंट रहेगी। बैटरी 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 यार। हेलो भैया, क्लोज्ड। भाई क्लोज्ड। 8 दिन तक अपने आदमियों को नजर रखने के लिए कहो, ताकि लफड़े और ज्यादा ना हो, मैं कमिश्नर से बात करता हूँ। 1 हफ्ते के भीतर हमारा अपना आदमी यूनियन लीडर बनेगा, तुम आराम से जाओ। इसमें 25 लाख रुपए हैं। 15 अगस्त नजदीक है, ये पैसे उठा लो और बच्चों को मिठाई बांट दो। 150 एकड़ की करोड़ों की बस्ती को तुम और तुम्हारे मंत्री अकेले हड़पना चाहते हो? क्यों, मर्डर्स भी अपने मंत्री से करवाना था ना? किराए का टट्टू लगता हूँ क्या मैं तुमको? मेरा नाम है सुब्रमण्यम। इंद्रलोक में भी मैंने कदम रखा तो मैं ही राजा बनूंगा। कल आना, तुम्हारा हिस्सा कितना होगा मैं बताऊंगा तुम्हें।
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या वही दूल्हा है? अबे वो दूल्हा नहीं है, गधा है, गधा। हाँ होगा, लेकिन मुझे क्यों मार रहे हो? अरे वो लोग हंस रहे हैं यार। ए मामू, मुझे डाउट है, असल में पहले जैसा कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है ना, तू जरा वो पोस्टर देख, मैच हो रहा है। छी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यार। जरूर मेरे मामा ने गड़बड़ की है। ऐसा अन्याय इस लड़की के साथ तो क्या किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। वो कितनी खूबसूरत लड़की है यार, और वो नालायक गधे जैसा लड़का कैसी जोड़ी बनेगी? इस समाज को पता नहीं क्या हो गया है। देख, जो होना चाहिए वही हो रहा है यहाँ पर। हे, अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय कैसे देख सकते हो तुम लोग? तुम इंसानों के जानवर हो। मैं नहीं देख सकता, मुझे किसी भी तरह से रोकना है। बेटी सिमी, पूजा की थाली ले आओ। अभी लाई पिताजी, आखिर तेरा रिश्ता तय ही हो गया। अपशगुन, अपशगुन। यजमान, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगले सोमवार को इससे भी अच्छा मुहूर्त है, उस दिन कर लीजिए। अबे क्या करके आया तू, वहाँ चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही है। शादी रोक दी तूने? ठीक से देखकर बताओ यार, शादी रुकी कि नहीं, मुझे तो अभी भी डाउट लग रहा है। अबे कोई डाउट नहीं है। अरे बाप रे, एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है यहाँ पर, भागो यहाँ से, निकलो, भागो। एक्सप्रेस ट्रेन? तुमने ही हमारे घर में बिल्ली को फेंका था ना? क्या बिल्ली? किसकी बिल्ली? किसके घर में किसने फेंकी? ओहो, तुम्हें बिल्ली को पकड़ते हुए मैंने देखा है। हाँ, वो क्या है कि मुझे बिल्ली पसंद है, पकड़ने गया तो वो भाग गई। अब पसंद करना गलत है या पकड़ना गलत है? वैसे आप हैं कौन? मैंने तो सोचा था तुम इससे भी ज्यादा खूबसूरत होगी। मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ? अपने आप को देखा है, ऐसे दाढ़ी बढ़ाए घूम रहे हो। वैसे बिल्ली को क्यों फेंका हमारे घर में? मुझे लगा था तुम्हारी सगाई है इसलिए। अच्छा, लगता है अभी भी मुझसे प्यार करते हो। सिमी, क्या झगड़ा चल रहा है वहाँ पे? कुछ नहीं पिताजी, दरअसल पता लगा रही थी कि बिल्ली किसकी है, कंप्लेन करने के लिए। चलो आ जाओ ऊपर। पिताजी, मजनू कहीं के अगली बार से मेरे आसपास भी फटके ना तो मार दूंगी, याद रखना। अबे शादी रोक दी भाई ने, नालायकों। शादी रोक दी मुझसे, बोला किस सगाई है? तू यहां क्यों आया मुझे भाई? मैं कहां जा रहा हूं? तू चल गया, हमें क्यों मार रहा है? तूने खुद तस्वीर बनाई थी, बोला कि कुछ मैच नहीं हो रहा, अब हमको क्यों मार रहा है? तुम लोगों ने मेरी जान निकाल दी थी। मेरी जान तू नहीं छोड़ता तुम्हें, आ जा, छोड़ दे। अरे सूर्या, जरा तू उधर देख, तेरी लव स्टोरी का असली विलन यही है, इसने लड़की के बाप पे कंट्रोल किया हुआ है। कल परसों तक ये शादी की बात करेगा, अब तुझे बिल्ली से नहीं शेर से भिड़ना है, समझा? अबे चल यार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसे जिससे शादी करनी हो कर ले, तो बस बैटरी चाहिए, बैटरी, समझा? अच्छा। ए मामू, चलना थोड़ा घूम के आते हैं। सुबह सुबह कौन सी सैर करने जाना है तुझे? यार अब मैं तुझे कैसे बताऊं, सुबह सुबह सिमी को देखने के लिए मेरा दिल तड़पा जा रहा है। दिल को तड़पने दे, पहले अपनी शक्ल देख जाकर, दिल तड़प रहा है, चुपचाप सो जा, हट। ओए मामू, दूध के पैकेट डिलीवर करने का टाइम हो गया है। उसका इंतजार कर रहा है और अब पेपर में मुंह छुपा लिया। देख, देख उसे। अरे मैं कह रहा हूँ देख, ए लड़की, हा? जरा यहाँ तो देखो, तुम्हें देखने के लिए मरा जा रहा है। मजनू कहीं का सुधरेगा नहीं है। ताजी हरी भरी सब्जी ले लो, बैंगन। सुनो, ये बैगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो। तुमसे नहीं भैया, उस बैगन से पूछ रही थी। ए भगवान, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ? ए और इडली लेकर आओ, खाने के सिवाय यहाँ काम ही क्या है, और दो।
वैसे खुशबू से लगता है कि उनके घर भी नाश्ते में इडली बनी है। चटनी की खुशबू देख जरा कितनी बकवास है। क्या कर रही हो बेटी, देख के पानी डालो ना। अंदर जाइए पिताजी, यहाँ पर बहुत धूल है। हरी सब्जी लो, हरी हरी सब्जी, सब्जी ले लो। टमाटर लो, टमाटर टमाटर ले लो, लाल टमाटर। इसे तो मैं देख लूंगा। इसे देख के लगता है सारे घरों का काम यही करेगी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज इडली बहुत अच्छी बनी है, तुम्हें नहीं पता? सुबह से यही खा रहे हैं। चल निकल। हाथ धोले मामू, इसे फॉलो करना है। फॉलो भी करना है? अरे बाप रे, सुबह सुबह ये कहाँ से टपक गया? क्या हुआ? फैंस कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। मैं ड्रॉप कर दूं? चल बैठ जा। रुक जा, कितने दिनों तक बच के घूमेगी? देख मैं पसंद हूँ या नहीं, मेरी शादी तेरे से ही होगी। ये तेरे बाप को यूनियन का प्रेसिडेंट बनाया है, ऐसे ही क्या? नाटक मत कर, चल मेरे साथ। छोड़ देना मामू, धमकाना और जबरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है। तू कौन लगता है इसका? वैसे तो मैं इसका आशिक हूँ। लड़के खूबसूरत हो तो सब आशिक ही बनते हैं उसके, इसको बोलने को बोलना। हाँ वो मेरा प्रेमी है। इतना ही नहीं, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को प्यार करते हैं। इतना प्यार करते हैं कि शादी चाहे जिससे भी हो, लेकिन बच्चे सिर्फ इसी के होंगे। हमारे प्यार के खातिर अपने पिताजी की इज्जत को खराब होते हुए नहीं देख सकती मैं। हाँ पर बच्चे किस पर जाएंगे इसकी गारंटी नहीं दे सकती मैं। मेरे पिताजी को भले ही आपने मनाया हो, लेकिन बच्चों की गारंटी मैं नहीं दे सकती। अभी बता देती हूँ, सोच लो। ए, मुंह बंद कर। मैं क्या तुझे पप्पू लगता हूँ? कोशिश कर ले, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे नाम पर तो 100 करोड़ की जायदाद है, इसके नाम पे क्या है, एक अंगूठी के अलावा? ए, मैं बहुत ही खतरनाक आदमी हूँ। इस बुलडोजर के रास्ते में आएगा ना, चकना चूर हो जाएगा। अगली बार वार्निंग इतने मुलायम नहीं होगी, बहुत वॉयलेंस से भरी होगी। समझ में आया ना? इसे समझा दे। मामू, मेरी सिम्मी ने क्या कहा, तुम्हारी समझ में नहीं आया क्या? अगर तुम्हारी शादी हो भी गई तो बच्चे तो मेरे ही होंगे ना। तो गलती से भी ऐसी गलती करने की गलती मत करना। समझ में आ गया ना? तो जाओ यहाँ से। भूल जा इसे, वरना छोड़ूंगा नहीं, और तुझे भी। ए हेलो, बहुत खुश हो रहे हो, मेरी बातों को सच समझ रहे हो? ची 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 ची, मैंने बिल्कुल सच नहीं समझा, बल्कि खूबसूरत सपने की तरह एंजॉय कर रहा था। इतना ही ना, इससे ज्यादा मत सोचना। उससे छुटकारा पाने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा, बस। मैंने बीटेक किया है समझे, अमेरिका में रिश्ता होगा मेरा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो सिम्मी, तुम्हें पाने की तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर मेरी खूबसूरत सिम्मी पर किसी ने अभी अपनी नजर डाली तो मैं चुप नहीं रहूंगा, मार दूंगा उसे, फिनिश। सूर्या, सच में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। सिर्फ उम्मीद ही तो है सिम्मी। सिर्फ उम्मीद से काम नहीं चलेगा सूर्या। तुम्हारा कल क्या था, आज क्या है, सब जानते हैं। कल कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कोई नहीं जानता। मुझे तुम इस सवाल का जवाब दे दो बस। मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अबे यार पप्पू, मेरी सिम्मी ने जो कहा तुझे समझ में आया क्या? यार तू तो सपना कह रहा था, लेकिन वो तो सपने को सच बना कर गई। हे मामू, कल कहाँ रहूंगा कैसे रहूंगा इसके लिए आइडिया मिल गया। सुबह ही यूनियन बैंक में लोन अप्लाई करके शाम तक यूनियन में मेंबर बन जाऊंगा। 6 महीने में बैटरी की गाड़ी तैयार करके उसे कंपनी में बेच दूंगा। उसके बाद कंपनी से टाई अप करके गाड़ियां बनाऊंगा, आराम से जिंदगी बिताऊंगा। तो उसके लिए 6 महीने इंतजार क्या करना, सो के सपना देख, सब मिल जाएगा। सो जा। हाँ बोलिए, क्या चाहिए? सर मुझे आपके बैंक से लोन चाहिए। क्या बिजनेस करना चाहते हो? जितना आप लोन देंगे उस पे डिपेंड करता है। हाँ, हाँ? नहीं सर,
बैटरी के इंजन से पेट्रोल का खर्चा कम करने के लिए मेरे पास एक अच्छा डिजाइन है सर। इस शहर में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं सर। अच्छा, मेरी बैटरी इतनी कमजोर लग रही है क्या तुमको? सुनो भाई, यहाँ लोन पाने के लिए एप्लीकेशन के आइडिया की जरूरत नहीं है, सिर्फ दो क्वालिफिकेशन ही चाहिए। पहला, लोन की जरूरत ना हो उतना आर्थिक बल, और दूसरा, लोन लौटाए ही नहीं उसे हजम कर जाए ऐसा बाहुबल। तुम सबके चेहरे से ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है। यहाँ बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, जाकर कहीं और ट्राई करो। सर, हम वो लोन के लिए। वही सर, लोन के बारे में। मैं सैंक्शन कर दूंगा, पहले लेन देन की बात कर लीजिए, बैठिए। देखा ना, बैटरी के आइडिया से कुछ नहीं होगा, अगर सिफारिश लेकर आते तो लोन मिल जाता। अगर आइडियाज ही नहीं होंगे तो फिर दुनिया में पहचान कैसे बनाएंगे दोस्त? कलेक्शन। आ गए मुझे। क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नहीं भाई, तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारा ही माल है, लेकर जाओ। चले चल। छुपके कहाँ जाएगा? चल भाई, मुझे छोड़ दो। क्यों मामो, हम लोग तुझे गुंडे लगते हैं क्या? छुप क्यों रहा है? वैसे भी एक महीने का ब्याज नहीं दे पाया तो क्या मैं समझ के नहीं लूंगा? इस महीने का ही नहीं बल्कि अगले महीने का भी नहीं दे पाऊंगा। 6 महीने से धंधा नुकसान में चल रहा है, परसों ही लड़की की शादी की है। एक तरफ तेरा धंधा नुकसान में चल रहा है तो लड़की की शादी काहे को किया? जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? ए, इसके दुकान को शटर लगा दे। ऐसा मत कर, अब तक 3 गुना ज्यादा ब्याज दे चुका हूँ। 2 वक्त के खाने के लिए दुकान तो छोड़ दो, मेहरबानी करो बेटा। मेहरबानी करना अपने धंधे का उसूल नहीं है, नुकसान से ही इंसान को फायदे का नशा चढ़ता है, इसलिए हमेशा फायदेमंद धंधा करने का चाल। अरे ये बस्ती एक जेल है, ये यूनियन वाले यूनियन के नाम पे हम लोगों से पैसा वसूलते हैं। ऐसे तिल तिल के मरने से अच्छा है एक बार ही में मर जाऊंगा। नए प्रेसिडेंट के लिए मस्त सेटलमेंट किया था मैंने, वो मेटल की दुकान वाला सेठ मर चुका है, उसके बीवी बच्चे अपने यूनियन में आवाज उठाए तो मुझ पर इल्जाम ना है, इसका बंदोबस्त कर देना। अरे इतने से काम के लिए क्या सोच रहे हो? देखो सूर्य, तुम जेल जाने से पहले क्या करते थे और कैसे करते थे ये मायने नहीं रखता। यूनियन में तुम्हारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना है तो नंबर 1 ₹1,00,000 मेंबरशिप के लिए भरना पड़ेगा, नंबर 2 मेयर या इंदर का आदमी होना जरूरी है, इतना ही नहीं बल्कि यूनियन के किसी आदमी की पहचान भी चाहिए। अगर ये तीनों चीज होगी तो इस एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे यहाँ के प्रेसिडेंट तुम्हारे कुछ लगते हैं ना, क्या लगते हैं? मामा जी। ए, कौन है तेरा मामा? न तेरी जात का पता न तेरी पात का पता, चलान नाता जोड़ने हमसे मामा जी कहे का। कमाल है, हम सब लोग एक ही रंग में हैं, तो ये अकेला अलग रंग में लगता है, बदलेगा। हाँ। यार ये 300 एकड़ की जगह देखकर तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? इस रास्ते पर तो बस इंसान के दुख और दर्द ही दिखाई दे रहे हैं मुझे। लेकिन मुझे 600 करोड़ का पूरा बिजनेस संभालने वाला एक इंदर और मेरा दिखाई दे रहा है। तू बैठ, क्या करना है मैं बताता हूँ, तू बैठ ना। इसको बेटा गाड़ी में। ये इंदर का बेटा है, मुंह पर मूंछ नहीं है मगर गुंडा बनकर घूमता है, कॉलेज में रैगिंग करना, लड़कियों को छेड़ना, बस यही से आता है। क्या चाहिए रे? आपके पिता से मिलने आए हैं सर जी। स्पॉटलाइट के नीचे आप तो बिल्कुल डॉन लग रहे हो। ऐसे घूर क्यों रहा है, मुझे बच्चा समझा है क्या? ये मुझसे बड़ा है, मैं इससे छोटा हूँ, छोटा डरता नहीं है, इधर ही खल्लास कर दूंगा। ये म्यूजिक कहां से आ रहा है यार? अबे उसने सुन लिया, चुप। पैर से आवाज नहीं आनी चाहिए। क्या बात है रे, कुछ अच्छे एजेंडे के साथ आया है लगता है। मेरे दोस्त को यूनियन का मेंबर बनना है सर जी। जेल गया था ये, वही है ना? हाँ सर जी। देखते हैं,
लेकिन उससे पहले कोचिन में एक बहुत ही अच्छा कमीशन वाला धंधा है, करके आओगे? मैकेनिक का धंधा है बाबा, तेरा दोस्त तो बहुत धमाल है ऐसा बोला था। हाँ करेंगे ना, बोलिए। कोचिन में कई सालों पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से बंद पड़ी एक ग्राइंडिंग फैक्ट्री है, गोल्ड ग्राइंडिंग फैक्ट्री। उसके गवर्नमेंट की ओर से जो कॉन्ट्रैक्टर है उसे अपना भुवन जानता है। तुम लोग उस ग्राइंडर की डील पूरी करके उसे खरीद कर लाओगे। ग्राइंडर खरीदने के लिए कोचिन क्यों जाना है सर जी? गोल्ड ग्राइंडर्स का मतलब है डायमंड कोटिंग। ब्रिटिश लोगों की फैक्ट्री है। और कितना समय लगने वाला है? अरे ये सब के सब फेक है। ये क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे तू झूठ बोल रहा है क्या? मैं जानता नहीं तुझे। पकड़ उसको, पकड़ो। मारो इसको, मारो। ये बोलता है फेक। पकड़ के कैसा लगा सेठ? अरे क्या बात है, क्या एक्टिंग की तुमने। मने मने निकलो यहाँ से। ये लो रख लो, तुम्हारा इनाम समझ के रखिए। बाकी और दो ना। अरे सेठ सुनो तो। मैं रुक जा, कहाँ जा रहा है? रुक ना। ए रुक। अबे क्या कर रहा है ये? अबे इंदर की डील ऐसी होती है, तू निकल यहाँ से, निकल ना जल्दी कर। अरे सेठ इतना खतरा मोल लिया अपन लोगों ने। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ना वो सब फेक थे। हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। डील तो वही नहीं, हम तो यहाँ पर खरीदने आए थे ना। क्या खरीदने आए थे हम? वो जो लोग मरे है ना कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, स्मगलर थे, और ये लोकल पुलिस है। अब किन से खरीदेगा तू? हेलो हेलो सेठ, कैश के मामले में मस्करी। सूर्य हाथ चल जल्दी कर। सूर्य उधर से। जल्दी आना, जल्दी, वो लोग आ रहे हैं। रुको रुको। जल्दी आओ। अच्छा अच्छा। समझ में नहीं आ रहा है। चल नीचे उतर। उतर मुझे बेवकूफ समझा क्या? हाँ बिजनेस बोल के मेरी बार बार सुनी करेगा, पगली करेगा तू। हाँ तू सब जानता था, तू सब जानता था ना? हाँ जानता था, मैं नहीं बल्कि ये लोग भी जानते थे। यही है तुम लोगों का ब्रोकर वाला बिजनेस? ट्रांसपोर्ट के नाम पर स्मगलिंग करते हो, सेटलमेंट जैसे लुच्चे काम करते हो, मर्डर्स भी करते हो क्या? ए बस कर यार, मैंने मर्डर किया तूने देखा क्या? कमीशन तक ही मेरा काम है, कौन किसका मर्डर करता है इससे मुझे कोई मतलब नहीं। वैसे हमसे बुक की गई हर एक लॉरी में दारू से लेकर नशीली दवाई पूरे हिंदुस्तान में सप्लाई की जाती है। यही काम मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा। कोई और बोलेगा, कोई और करेगा, कोई और मरेगा। तुम्हें भी चोरों के साथ मिलकर चोरी करने का शौक हो गया है क्या? सही और गलत के बीच फर्क नहीं पता है क्या तुम्हें? धंधे के अंदर सही और गलत नहीं देखा जाता। और वैसे भी सही क्या है गलत क्या है ये बताने वाली डिक्शनरी मुझे अभी तक नहीं मिली है। ऐसा है क्या? जिस डिक्शनरी का तू इस्तेमाल कर रहा है ना, उस डिक्शनरी का बहाव अगर बढ़ गया ना तो तू कहीं और चला जाएगा बहके। इतनी अकल होते हुए भी तू 16 साल की उम्र में खून करके जेल गया था।
जिसे मैंने मारा था वो हमारी कीमती इज्जत को लूटने आने वाला जानवर था। वैसे सिचुएशन अगर फिर से आई तो मैं वापस वही करूंगा, और एक नहीं दो भी नहीं 100 मर्डर्स भी कर सकता हूँ। कितने तक का सौदा हो सकता है? कम से कम 40 तक जाएगा। तो हमारा सौदा कैसे करेंगे? 50-50। क्यों मजाक कर रहे हो क्या? तुमने ही बताया था ना 40 लाख मिलेंगे, 40 लाख कैश देकर चले जाओ। जाओ। ये तो सरासर बेईमानी है। गवर्नमेंट को मनाकर जान हथेली पर रखकर हमने इतनी मार खाकर ये सब काम किया है। ग्राइंडर तुम्हारे हाथ में आए तो बेईमानी करने लगे, ये सब नहीं चलेगा। ज्यादा बोलेगा ना तो इसमें तेरे जान बचाने के भी चार्ज लगाने पड़ेंगे। तुम सबको तो मैं बाद में देख लूंगा, बेईमान कहीं के। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, इसका मेरा पुराना हिसाब किताब है। ये लो अपना कमीशन लो। मुझे ये नहीं चाहिए भैया, अब से तुम्हारे धंधों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सोचने के लिए दिमाग और मजबूत हाथ पैर है, हम ईमानदारी से काम करके डिग्निटी से जिएंगे। मतलब मेरी डिग्निटी ही नहीं है, इनकी डिग्निटी कुछ नई लग रही है। 16 साल में ही मर्डर करके जेल में जा चुका है तू, इससे अच्छा और कौन सा काम करेगा तू बस्ती में? तू मेरा भाई और बाप नहीं है जो तेरे सवालों का जवाब दूं और तेरी धमकी से डरूं। वैसे भी तू गांव के भरोसे जीने वाला सिर्फ एक गुंडा है, गुंडा। क्या बोला मैं तो? ए, सूर्या, छोड़। अरे छोड़ ना, बिना सोचे समझे हाथ उठा देता है। तुम जाओ यहाँ से और इसके साथ मिलकर भीख मांग कर खाओ। असल में तुम्हें बिगाड़ने के लिए ही ये जेल से बाहर आया है, जाओ यहाँ से। अरे बेवकूफ, डर वहाँ दिखाना चाहिए जहाँ कोई डरने वाला हो। उसकी आंखों में तुझे डर दिख रहा था तो क्या उसकी बातें सुनकर चुपचाप बैठा रहूं? कूल। उसे एक बीमारी है, सच्चाई की बीमारी। उसे उसी से मारना होगा। उसे यूनियन का मेंबर नहीं बनने देना है, उसकी ओर एक भी वोट नहीं जाना चाहिए। तब वो भूख से तड़प कर एक दिन खुद ही आकर मेरे पैरों पर गिरेगा। ये माफिया कहाँ से पैदा हुआ हा? मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जैसे कि मुझे पता हो। मुझे क्यों मार रही हो, मैंने थोड़ी पूछा। असल में ये यूनियन क्या है, ये रूल्स क्या हैं, ये ब्रोकर्स क्या हैं? वो लोग हैं कौन यार जो हमें काम करने से रोकते हैं? हम इनके रूल्स फॉलो ही क्यों करें? ऐसा नहीं करेंगे तो मार दिए जाएंगे। कांग्रेस भाई, हमारे आइडिया में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। कल से हमें भीख मांग कर सड़क पर खाना खाना पड़ेगा। तो तेरे पास कोई आइडिया नहीं ना, तो एक काम कर, भीख मांग के खा ले। भीख नहीं मांगूंगा, मेरे साथ भीख मांगेगा, समझा? बोल तू करूंगा। कोई जरूरत नहीं, दोनों में से एक भी बच जाए तो काफी है। बैटरी पे इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने भगवान को पटा लिया यार। अबे तेरी तो पहले क्यों नहीं बताया? अबे क्या कर रहा है, लग रही है? अबे छोड़ ना, मैं होशियार बन रहा तू। इसका मतलब तेरी छोड़ कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हमारी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पता? सूर्या, कितने सालों के बाद तुझे देख रहा हूँ बेटा, कैसा है बेटा? सबने कहा था कि आपकी मौत हो चुकी है। मैं जिंदा हूँ मुझे खुद भी पता नहीं है बेटा, जिंदा लाश की तरह यहाँ वहाँ भटकते रहता हूँ। तुम्हारे जाने के बाद लोन का किस्त और उसका ब्याज भरने के लिए एक हाथ काफी नहीं था बेटा। एक साल के अंदर महिंद्रा और मारुति कंपनी की डीजल गाड़ियां मार्केट में आ चुकी थीं। मेरी जिंदगी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। खेत बेचकर बैंक का कर्जा चुकाया और बचे हुए पैसे से दारू पीता हूं। चाचा जी, मुझे आपका गराज चाहिए। क्या बोल रहा है यार तू, अब तक यूनियन के खिलाफ जिसने भी यहाँ काम किया फेल ही हुआ है। अबे हम लोग अपना गैराज कहीं और भी तो खोल सकते हैं ना। ये यूनियन नहीं है, माफिया है। एक जगह से डर कर भाग गए तो सारी दुनिया में कहीं हिम्मत से काम नहीं कर पाएंगे। यही हमारी जिंदगी है और यही हम जी के दिखाएंगे। कौन है?
जो मेरे गैरेज के सामने अपना गैरेज खोल रहा है, वैसे भी आगे बंद करना ही पड़ेगा। अभी जाकर बोल दो उसे बंद कर दे। भैया, आप जिस सेठ के बारे में बात कर रहे थे ना, ये वही है। अगर इसकी बैटरी कार काम कर गई ना, तो हमारी गैस की गाड़ियाँ तो सील हो जाएंगी। सबसे चिपकर भगवान इनके लिए इन्वेस्ट कर रहा है। इस सुपर मैकेनिक ब्रह्मा पर भरोसा नहीं करके वो भगवान उस कैदी पर खर्च कर रहा है, ऐसा क्या? इसे ठीक करना ही पड़ेगा। अगर इंजन ही निकाल दे फिर तो गाड़ी चलने का सवाल ही नहीं होता। गाड़ी आज नहीं तो कल स्टार्ट हो ही जाएगी, लेकिन तुम कब तक ये डिजाइन देखकर सर खुजाते रहोगे? अरे नहीं रे, डिजाइन में ही कुछ कमी है। इंजन कहीं भी फिट करो, साउंड आ ही नहीं रहा। स्टार्ट होएगा तभी तो साउंड आएगा। सुन, एक आइडिया है मेरे पास। उसकी डिजाइन में से बैटरी निकाल कर गैस सिलेंडर फिट कर देते। गाड़ी स्टार्ट होने से पहले ट्रांसपोर्ट की हिस्ट्री बदल डालो। बिल्कुल, जाकर सबको बुला कर ला। आई कैन मेक हिस्ट्री, मैं ट्रांसपोर्ट में हिस्ट्री क्रिएट करूंगा। सबसे पहली बार चांद पर पहुंचने वाले आर्मस्ट्रांग की तरह सिलेंडर से गाड़ी चलाने वाले सोनू के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो जाएगा तू। टेक दीज कीज, गो। थैंक यू भैया। चंद्रमंडल, आर्मस्ट्रांग, स्वर्गवास। भाई, कैश की गाड़ी के खोज के पिता मैं होने के कारण सबसे पहले ये गाड़ी आपको ही चलानी चाहिए। तू की होशियारी मत दिखा, डर लग रहा है ना तुझे? अरे पागल गधे, किसी भी प्रयोग में रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ऐसे रिस्क लेने की वजह से ही अमेरिका वहाँ है और इंडिया यहाँ। अगर ऐसे रिस्क लेते ना हम, तो इंडिया वहाँ होता, अमेरिका यहाँ। चला बाजू में, डरपोक। जलाओ तू आई वाला कुटाल तू। साउंड के हिसाब से लगता है सीधा पाकिस्तान में जाकर गिरेगा। भाई, भैया क्या हुआ? इंजन स्टार्ट हुआ था ये तो याद है, उसके बाद क्या हुआ था? सिलेंडर तो पाकिस्तान चला गया है भैया, और इंजन इसका दिल्ली पहुंच गया है। रॉकेट की स्पीड थी भैया, यही सिलेंडर अगर सही डायरेक्शन में लगाया होता ना, रॉकेट की स्पीड से आप भी चांद पर पहुंच जाते। हाँ भैया, यस सेट हो गया चाचा जी। चलिए चलकर देख लीजिए। क्या हुआ बेटा? अरे उठिए चाचा जी। अरे आइए ना चाचा जी, देखिएगा इस बार स्टार्ट हो जाएगी। इसमी, नीचे आओ, नीचे आओ। क्या है ये चेहरा काला क्यों है, और ये गाड़ी किसकी है? सिमी, एक बार मेरे साथ चलो ना। इस गाड़ी पर तेरे साथ चल जा। एक्चुअली मुझे तुमसे पूछना ही नहीं चाहिए। छोड़ो, लेकर जा रहे हो। सब देख रहे हैं। चुपचाप बैठे रहो। पिताजी, पिताजी ने हमें साथ में देख लिया। देखने दो सिमी, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें नहीं, बिना एक बूंद पेट्रोल के 60 किलोमीटर की स्पीड में चलने वाली गाड़ी को देखा है।
मुझे नहीं पता कि भगवान है या नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन ये जानता हूँ कि मेरे जिस्म की हर एक सांस में सिर्फ तुम हो सिमी, और यही सच है। आपकी टेक्नोलॉजी पर हमारी कंपनी को इंटरेस्ट है, आप अकेले दम पर बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं, इससे हमारा भरोसा और बढ़ गया, आप भी ज्यादा वैल्यू डिमांड कर सकते हैं, ये हमारी पिकअप गाड़ी के रिक्वायरमेंट से कम से कम लाखों का काम है। क्या बात है, नया धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अरे बाप रे, कंपनी के लोग भी आ गए। क्यों बे, हमारी परमिशन के बिना और यूनियन के सपोर्ट के बिना उस भुवन ने तुझे थोड़ा सा सहारा क्या दे दिया, तू सीधा आसमान में उड़ने लग गया। सर हम लोग बाद में आते। सर आप लोग जाइए, सर वापस कब लौटना है मैं बता दूंगा। चल, ये तो माफिया का लफड़ा लगता है। क्यों बे, तुझे भिखारी दिखाई देता हूँ मैं। ए, अपने बस्ती में सबसे ज्यादा महंगी चीज क्या है बोलो? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, टर्नओवर में 20%, वही अगर तुम हमारे पास से फाइनेंस लेकर दस्तखत कर दोगे तो 10% का डिस्काउंट दूंगा। प्रोटेक्शन किसको दोगे भैया? वही बे, तेरे बिजनेस में कोई इशू ना हो इसका ध्यान रखेंगे। हमारे इस बिजनेस में प्रोटेक्ट करने जैसा कुछ भी इशू नहीं है और ना ही आएगा। इसे खुद पर कितना भरोसा है यार, फिर इशू आने में टाइम ही कितना लगता है, नहीं आए तो हम लेकर आएंगे। कभी कभी मार्केट में अपनी चीजों की वैल्यू भी तो बतानी पड़ती है। चलता हूँ छोटू, फिर से मिलेंगे। भैया अगर कोई इशू आ भी गया तो उसे फेस करने के लिए जो तेरे पास है ना, वही मेरे पास भी है। अच्छा ओके, चल देख लेंगे। मैंने बैटरी पर पैसा लगाया, ये बात तुमने उनको बताई क्या? मैंने कुछ नहीं बताया, उसने सब कुछ पता लगा लिया। अब आगे से मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, ये बात अच्छी तरह से समझ लो। अरे भाई भाई, आपको एक खुशखबरी देनी है, ये नोटिस देखिए, अगले हफ्ते गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के व्हीकल्स की नीलामी होगी। 60 जीप्स, 40 कार्स, 13 लॉरीज, अगर हम नीलामी जीत जाए तो हमारे बिजनेस में बहुत ही फायदा होगा, सारे देश में अपना नाम रोशन हो जाएगा, और आप देखिएगा इस शहर के हर सड़क पर हमारी ही गाड़ियां घूमेंगी। अरे आपके तो शहर के एंट्रेंस में बड़ी फोटो बनाकर बैटरी महोदय का पुरस्कार दिया जाएगा। अरे नहीं नहीं, मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, मैं जितना पैसा दूंगा 2% ब्याज के साथ मुझे वापस कर देना बस। अरे आप ब्याज की क्या बात कर रहे हैं, ब्याज के बाद तो कमजोर दिल वाले करते हैं, बैटरी की। चुप कर, गैराज बंद करने के लिए यूनियन में मीटिंग है, चलो अब। बिना मेंबरशिप के बिजनेस कैसे कर सकते हो? अगर कोई पास आए तो मारा जाएगा। मामू अब हमें यहां बात करना है कि लड़ाई करना है, तो ये डिसाइड कर लो। बैठ जाओ बैठ जाओ। असल में यूनियन का मेंबर ही नहीं है वो, उसको काम पे क्यों रख लिया? छोटा सा करेक्शन है प्रेसिडेंट जी, सूर्या मेरे पास काम नहीं करता, मैं सूर्या के पास काम करता हूँ। मतलब अगर तुम बैटरी की गाड़ी बनाओगे तो हमारी डीजल की गाड़ी का क्या होगा? आपकी डीजल गाड़ी भी कभी हमारी गैरेज में ही बनी थी, भूल गए क्या? एक मवाली छोकरे के दम पर तुम सब लोग यूनियन के रूल के खिलाफ मत जाओ, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आइडिया हमारा, शेड भी हमारा, पैसा भी हमारा, रोकने वाले तुम कौन होते हो बोलो? करना या नहीं, रूल के मुताबिक वोट करके बता दीजिए। आप में से आधे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं कौन हूं, लेकिन आपको मेरी वजह से क्या परेशानी है ये कोई नहीं सोच रहा है। मेरे मुताबिक इंसानों में चार प्रकार की जात है, खाने से ज्यादा पैदावार करने वाला, कम से कम खाने भर का पैदावार करने वाला, पैदावार ना कर पाने की स्थिति में भीख मांगकर खाने वाला, और इन तीनों से लूट कर खाने की भी एक चौथी जात है, लुटेरे की जात। आज हमारे पूरे सिस्टम में वो लुटेरे राज कर रहे हैं,
इस कंपाउंड में सिर्फ मेहनत करके जीने के लिए 10,000 से लेकर 1,00,000 रुपए देने वाले लाखों यूनियन मेंबर्स हैं। और वो लाखों लोग किसके हाथ की कठपुतली हैं, वो क्यों हैं और क्या कर रहे हैं, ये सब जाने बिना मैं मेंबर नहीं बनूंगा और ना ही अपना बिजनेस बेचूंगा। प्रोटेक्शन के नाम पर दलाल बिजनेस पर हल्ला बोलकर 1 साल में 20 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हैं। ये प्रोटेक्शन किससे चाहिए, किसे चाहिए, क्यों चाहिए, मैं ये जाने बिना अपने बिजनेस से पैसा नहीं दूंगा और ना ही किसी भी हाल में अपना बिजनेस रोकूंगा। यूनियन और सोसाइटी के नाम से पैसे वसूल किए जाते हैं और ये लूट बढ़ती ही जा रही है। लूटे हुए पैसे ही ब्याज पर, बड़े ब्याज पर घुमाकर तुम्हारी जिंदगी बॉन्ड पेपर पर बनाकर तुम्हें गुलाम बना रहे हैं। अरे इतना ही नहीं मामू, एक दिन तुम्हारे दस्तखत वाले बॉन्ड पेपर्स भी ये जालिम खा जाएंगे। और अब समझने की कोशिश करो, क्योंकि यही सच्चाई है हमारे शहर की। तुम सब पिस चुके हो मामू, सच्चाई से काफी दूर जा चुके हो। अपनी सारी मेहनत इन लुटेरों के हाथ में रखकर बस भगवान के भरोसे बैठकर जीते जा रहे हो, बस जीते जा रहे हो। मैं तो बस एक बच्चा हूं जो ये मानता है कि इंसान की मेहनत ही उसका भगवान है। देखो मामू, हमें इस बात पर एक दूसरे से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। धरती पर पैदा होने वाले हर इंसान का एक हक है आगे बढ़ना। जो तुम्हारी कैपेसिटी है उसके साथ आगे बढ़ना। अगर किसी के हक पर कब्जा करने की कोशिश की ना, तो याद रखना हिस्ट्री में हुए आज तक हर एक जंग और क्रांति का बस यही एक कारण रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि मेरी जीत में तुम्हारी जीत है, तो मुझे वोट देना, वरना उस लुटेरे को दे देना। सूर्या के खिलाफ वोट देने वाले अपने हाथ ऊपर करो। और सूर्या के लिए वोट देने वाले मेंबर्स, इसके पिताजी के हिसाब से ये तो हमारा ही आदमी है। लगता है मुझे भी इसी को वोट देना होगा। तीन वोट्स के मेजोरिटी से सूर्या यहां पे इलेक्ट होता है। कैसे हो गया? क्या किया प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट तुझे मैंने बनाया, तेरी तो नहीं छोड़ूंगा तुझे। अब से तुम्हारी कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। देखते ही देखते बहुत ऊपर चला गया है तू, तेरा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये याद रखना कि किससे पंगा ले रहा है तू। मैं हमेशा खुद से पंगा लेता हूँ, तुम जैसे लाश से नहीं। मेरी नजर में डरने वाला और डराने वाला दोनों ही लाश होते हैं। लगता है इस पागल सूर्या को अपनी वार्निंग समझ में नहीं आई। अपनी वार्निंग तो उसे समझ में आ गई है, लेकिन उसकी बात मेरे समझ में नहीं आई। भाई तूने सब पर क्या जादू चला दिया यार, सबके सब मान गए। वो लोग उतनी ही स्पीड से उसकी तरफ भी चले जाएंगे दोस्त। हमें लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कल सुबह की नीलामी हम जीत जाएंगे, फिर हमारी गाड़ी कौन रोकेगा भाई? हमारा फ्यूचर सेट हो गया। तेरे लाइफ में आने के बाद कोई मैजिक आ गया है भाई, मैजिक आ गया भाई, लाइफ में मैजिक आ गया। अबे चल हट, मैजिक वैजिक जैसा कुछ नहीं है। मैजिक है, मैजिक है भाई। ए रुक भाई, देख तू उसने तेरी बेइज्जती की थी ना अबिच, अगर तेरे में दम है ना तो अभी उसको बुला करके यहीं पे उसका फैसला करेंगे हम। बोल, उसके करतूतों की पोल खोल सकता है क्या तू? बोल, डरपोगे तू? ए मैं डरता हूँ क्या उससे? मामा जी, मामा जी कहने से मना किया था उसने। ए प्रेसिडेंट साहब, जरा बाहर आइए। मैं पीकर नहीं आया हूँ। ए क्या हुआ यार? रुक जाइए, यूनियन में क्या बोल रहे थे आप? मैं मवाली छोक रहा हूँ आपके लिए। हाँ, इतनी नफरत करते हो क्या मुझसे? तुम्हारी सगी बहन का बेटा हूँ मैं। जब मैं छोटा था तभी घर से बाहर कर दिया, क्या लगा था मैं जी नहीं पाऊंगा?
मैं जी कर दिखाऊंगा, खुद अपने पैरों पर गिर कर तू अपनी बेटी को मुझे देगा, देख लेना ऐसा ही होगा। चैलेंज करता हूँ, चैलेंज, कोई शक? एक ही डायलॉग घुमा फिरा के मत बोल, फैंस कंफ्यूज हो जाएंगे। सिमी वो अरे यार, रात को तूने मामा को क्या बोल दिया था? ये मेरा तो फ्यूज उड़ गया था, पर तू तो कंट्रोल कर सकता था ना। हमें क्या पता था, हमें लगा हमेशा की तरह तू ही हमें कंट्रोल करेगा। और वो मुझे फुल बॉटल पिलाकर भड़काने वाला नालायक कहाँ गया? हाँ, भवन के साथ सुबह ही नीलामी के लिए गया है, वो आ रहा है। बात क्या है? वो शेट्टी वहाँ बोली पर बैठा हुआ है, उसने कार मरोड़ के मुझे भगा दिया वहाँ से। बोली कहाँ आ रही है? तू किस लिए आया है यहाँ? तू जिस काम से आया है ना, मैं भी उसी काम से आया हूँ। वो कबाड़ ले जाकर क्या करेगा तू? तेरे हाथ में तो वो कबाड़ ही रहेंगी, लेकिन मेरे हाथ में वो अच्छी खासी गाड़ी बन जाएंगी। गाड़ी इस जगह पर तेरी जरूरत नहीं है। आप बोली शुरू कीजिए सर। ये तेरे बस का धंधा नहीं है। 25,000 रुपए देता हूँ, 5,000-5,000 करके बांट ले, चल जा। मैं यहाँ पर वसूली के लिए नहीं आया हूँ, बोली लगाने आया हूँ। अगर तुझ में दम है तो जीत ले, वरना छाता लेकर निकल जा यहाँ से, ओले गिरने वाले हैं। ये पब्लिक ऑक्शन है, आप शुरू कीजिए सर। इस महीने सरकार की तरफ से डिस्पोजल के लिए आए वाहन की लिस्ट 60 जीप, 40 कार और 13 लॉरी है। सरकार की तरफ से पहली बोली 1,00,000 रुपए की। सूर्या की बोली है 5,00,000। मेरी बोली है 6,00,000। सूर्या की बोली है 10,00,000। मेरी बोली है 11,00,000, 20,00,000। क्यों बे, बोलता ही रहेगा? मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक तू भाग नहीं जाता यहाँ से। एक थप्पड़ खाते ही तुझे अपना एड्रेस तक याद नहीं रहेगा। ये खाली बोलता रहेगा, करने में कोई दम नहीं है इसमें। मारने के लिए शरीर नहीं, हिम्मत ही काफी है। इस गैरेज वाले लड़के को तो मैंने सीधा साधा समझा था, लेकिन ये तो सबका बाप निकला। अब ध्यान से सुन, इस शहर से दूर चला जा। अब गटर के कीड़े जरा ध्यान से सुन, एक आम इंसान की तरह यहाँ से निकल जा। अगर दोबारा यहाँ पर कदम भी रखा या गुंडागर्दी करने की कोशिश भी की तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे भिखारी बना दूंगा, भिखारी। अब जाकर अपने भाई को बोल दे मेरा नाम है सूर्या और मेरी दुनिया में बात के बदले बात और लाभ के बदले लाभ ही मिलती है। ए, ले जाकर इस डिब्बे को इसके भाई के आंगन में फेंक दो। सूर्या की बोली 20,00,000 रुपए, तीसरी बार। अरे देखिए आज की ताजा खबर। ये कौन है यार, अचानक आकर सबके पसीने छुड़ा रहा है? यूनियन से बाहर निकलने से पहले ही गुंडे के घर में आग लगा दिया, इसे कहते हैं असली मर्द। इतना तो कंपटीशन भी नहीं हो रहा था, फिर ये गुंडे डरेंगे कैसे भाई? वैसे भी अब तक अपने आदमियों ने किया ही क्या है मुझे लूटने के अलावा। वो सूर्या अपने प्रेसिडेंट का भांजा है, तुझे पता है? बकवास बंद करो। दूसरी जात में शादी करते ही मेरी बहन मर गई, उसको हीरो कहो या गुंडा कहो,
लेकिन मेरा भांजा ये मत कहना। तेरा सूर्या तो कमाल का निकला यार, पूरे बस्ती को हिला के रख दिया उसने। तूने अपने प्यार का इजहार किया ना? बकवास बनकर, वो गुंडे सूर्या के साथ क्या करेंगे? सोच सोच कर डर लग रहा है। दोनों हाथ एक साथ टूट गए, छत से गिर गया था भैया। ये पैसे ले जाकर अपने भाई को दे दे, बोल देना दिस इज फुल एंड फाइनल पेमेंट। अब की दे रहे हो भाई सेटलमेंट पेमेंट? कहना क्या चाहता है तू? कितना देना है, पैसे देना है, क्या देना है, ये तू मुझे बताएगा? फिर बोला ना तो जान से हाथ धो बैठेगा। हाथ जोड़ता हूँ, वैसे ही यहाँ की हालत बहुत वायलेंट है, तुम साइलेंटली गाँव चले जाओ भैया। ये गैरेज ही मेरा घर है और गैरेज ही मेरा गाँव है। वैसे ही चोट के मारे बहुत दर्द हो रहा है, तुम्हारे गाँव जाते ही यहाँ पर बहुत घोटाला हो गया। घोटाला मतलब? हो, अरे आफ्टर ऑल कल परसों का वो जूनियर बच्चा, उसने तुम सबको इतना धोया, तो 20 सालों से तुम्हारे आतंक में जीने वाला मैं, ये सीनियर इंसान तुझे कितना मारेगा? अब बता, जाकर अपने भाई को बोल दे मैं ब्रह्मा हूँ, सुपर मैकेनिक ब्रह्मा। जाकर बोल दे अपने भाई को, आज से उसे पाना के बदले पाना और हथौड़ा के बदले हथौड़ा। आइए मेहरबान आइए, ऑटो का 20,000, कार का 30,000, सुपर मैकेनिक सोनू कार एलपीजी सेटअप, 100 रुपए के पेट्रोल में 100 रुपए का गैस मिलाएंगे तो 5 कार का। उधर उधर, ए मेरे आइडिया को चुरा कर मेरे गैरेज को यूज करके सोनू नाम दिया है और आज पैसे कमा रहा है, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या बकवास आइडिया था तुम्हारा, इंजन ईस्ट में तो बॉडी वेस्ट में सेट की थी। मेरी सेट की हुई गाड़ी देखो कैसे भाग रही है, देखो देखो। ये गाड़ी तो भागती हुई जा रही है, ऐसा क्या किया तूने? ये जानने के लिए तुम्हें मुझसे समझौता करना पड़ेगा। समझौता? कैसा समझौता? अपने गैरेज में 50% का हिस्सा देना। 50%? तेरी तो कुछ भी नहीं दूंगा। क्या किया है तूने? स्टेटस क्या है तेरी? सब कुछ मैंने किया है, मेरी गैरेज में किया है। 50% मांगता है, 10% दे दूंगा। तो 40% दे दो। 40 मांगता है, 20, 30%। ठीक है, सेंक्शन कर दिया, लेकिन ये सुपर मैकेनिक का टाइटल मेरे नाम का ही होना चाहिए। उसके लिए 5 पैसे अलग से लगेंगे। अरे छोड़ना चिरकुट, 5 नहीं 10 पैसे ले लेना। जरा मेरी बात सुना, मेरे मन में एक डाउट है। बोलो भैया। अपने यहाँ सिलेंडर्स बाहर से आए कहाँ से यार? भैया बाहर से लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं भी आए तो कोई बात नहीं। देखो सिलेंडर वाले से मैंने बात करके रखी है, उसे समझा के रखना पड़ेगा, फिर तो जितने चाहेंगे उतने सिलेंडर मिल जाएंगे। तो बड़ा शहाना निकला। एक और डाउट है। हाँ तो पूछो। वैसे तो 100 रुपए के गैस में 100 रुपए का पेट्रोल मिलाएंगे तो माइलेज डबल होता है, लेकिन खर्चा तो उतना ही रहेगा। ये बात तुम और मैं जानते हैं, पब्लिक को ये सब नहीं पता। उनको पता चलने से पहले ही हमारा बिजनेस सेट हो जाएगा। कथा ना लायक नकारा, बैठे बैठे बोटियां तोड़ते रहता है लेकिन दिमाग में भूसा भरा हुआ है। उठ उठ उठ, तुझे उन लड़कों से दूर रहने के लिए बोला था ना, उनसे दूर रहने के लिए बोला था ना मैंने। ना लायक अबे कथे, ऐसे निकम्मों को क्यों पाल कर रखा है? उसने सिर्फ तुझे ही नहीं मारा बल्कि मेरे साथ साथ पूरे सिस्टम को धोया है। वहाँ के आधे लोग अब कॉर्पोरेशन टैक्स भी नहीं देंगे, वो बोलता है क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। उसे और उसके आदमियों को सुबह तक टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मुंह बंद रख। अभी तेरी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के बारे में सोच, इसमें ही 3 महीने लग जाएंगे गधे। मुंह बंद करके सो जा, चुपचाप सो जा, समझ में आया? बेटा ये सब अपने ही आदमी है। अपने मतलब? मतलब ये है बेटा कि जैसे मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है ना, वैसे ही ये लोग भी तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। अच्छा, आप बड़े लोग मिलकर मुझे कैसे सपोर्ट करने वाले हैं? वही बेटा, तुम जैसा चाहोगे वैसा पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा, मतलब जैसे सत्ता, आदमी वगैरह वगैरह। ओहो, तो मतलब मेरी फाइटिंग टेक्निक देखकर मुझे एक अच्छा गुंडा समझ बैठे क्यों? आप तो जानते ही हो ना भाई, टाउन में 25 सालों से उन लोगों का डोमिनेशन झेल रहे हम लोग, आप जैसा दमदार आदमी हमारे यहाँ कब पैदा होगा इसका इंतजार कर रहे थे हम लोग। बेटा तुम्हें असली बात समझ में नहीं आ रही है, अगर तुम हाँ कहो तो एक MLA, एक MP, एक मेयर कुछ भी बन सकते हो। हे भोलू, इधर आ। हाँ। तू स्कूल जाता है ना? हाँ जाता हूँ भैया। शनिवार और रविवार को क्या करता है? भैया शनिवार को फूल बेचता हूँ, रविवार को चर्च के बाहर कैंडल। कल से तुझे जब भी टाइम मिले ना घर आ जाना, मैं तुझे काम सिखाऊंगा। हाँ। ये कौन है जानते हो तुम लोग? जिसे सपोर्ट किया था उस यूनियन लीडर का बेटा है, तुम्हारे लिए काम करके अपनी जान गंवाने वाले यूनियन लीडर का बेटा है।
तुम लोगों ने एक रुपया नहीं दिया और वो वहाँ पर ठेले लगाकर अपनी जिंदगी जीने के लिए चार पैसे इकट्ठे कर रही है। ये उसी यूनियन लीडर की पत्नी है जिसे तुम लोगों ने सपोर्ट किया था। सपोर्ट की जरूरत हमें नहीं बल्कि तुम्हें। तुम सबको गुंडों को नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को ढूंढना चाहिए। कौन से अस्तित्व के लिए जीते हो, कौन से अस्तित्व के लिए मरते हो, कौन से अस्तित्व के लिए कमाते हो, पहले जाकर उसे ढूंढो तुम लोग। तब तक तुम में और उस इंदर में कोई फर्क नहीं है। जाओ यहां से, जाओ। लगता है पागल। चलो 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 भाई, फसल लगाने का सोचा था लेकिन ये तो इतने जैसा ही निकला यार, समझ में नहीं आ रहा है। क्यों रे, तू कमजोर आदमी है और मेरे डर से काम करेगा यह सोचकर प्रेसिडेंट बनाया तो अपने सगे भांजे को मेरे सीने पर बिठा दिया तूने। वो मेरा कोई नहीं लगता। अच्छा, तो फिर एक काम कर, उसे अपने घर पे बुलाकर जहर वाली चाय पिलाकर मार डाल। मारना मुझसे नहीं होगा, दो हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है, मैं तो अपनी बेटी की शादी में बिजी हूँ। मेहरबानी करके मुझ पे शक मत करिए। यूनियन में लोन लेने वाले लोगों के नाम तो पूछा ना तूने, सच है ना? लोगों का ब्याज कम करने के लिए पूछा था। अगर ऐसा करना है तो तुझे किसी से भी कुछ भी नहीं पूछना चाहिए, सिर्फ दबाव देना चाहिए। उस लोन पेपर के ऊपर सिर्फ नाम होना चाहिए, इंसान नहीं होने चाहिए, और उन लोन लेने वाले इंसानों को ढूंढने वाला इंसान भी नहीं मिलेगा, समझ गया? पिताजी, इनको मारने के लिए दो लॉरी भरकर अपने आदमियों को भेज देता हूँ, इनको खलास कर देंगे। बाप रे बाप, मेरा राजकुमार बड़ा हो गया जीजा जी। सिर्फ मर्डर करना ही काम नहीं है रे गधों, पुलिस केस संभालना असल काम होता है, समझा? वो कमिश्नर कौन से ब्रोकर के घर में पड़ा हुआ है जाकर देखो। आपके जानने वाले सारे घरों में देखा, कहीं नहीं मिला। सर, ये सब फैमिली वाले औरतें हैं। ओके सर। ब्रोकर्स कहकर किसी ने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया। ओके सर। निकलो। काटी डाला इसने, ये तो बिंदी है। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, सूर्या आपके डराने धमकाने या मारने से डरने वाला नहीं है। हमारे डिक्शनरी के मुताबिक सोचेंगे तो ऐसे लोगों को सही टाइम देखकर ही पकड़ना होगा। हमने भी तो यही बताया था ना। हेलो, मेयर जी हैं। मेरा छोटा बेटा अमेरिका में रहता है, आपको जरूरत है तो 1-2 करोड़ का बंदोबस्त कर देगा वो। मेरे बेटे के स्विस बैंक्स में भी बहुत कॉन्टैक्ट्स है भाई। क्या काम करता है तुम्हारा बेटा? अमेरिका की बड़ी कंपनी का कंप्यूटर हेड है वो। चाहे जितना पढ़ ले, लेकिन काम तो हमारा ही कर रहा है। क्या हो रहा है तुम्हारे वर्ल्ड में? वो कुछ लड़के लोग हैं जो हमारी नीलामी के काम में टांग अड़ा रहे हैं। ओहो, तो बात इतनी सी ही है। वैसे तुम्हारा भाई अब कैसा है? वो हमारा आदमी है ये नहीं जानते थे, इसलिए हाथापाई हो गई, थोड़ी सी चोट आ गई है। ठीक है, मैं समझ गया। और नीलामी की बोली में वो जीता या तुम्हारा भाई जीता? नियम के अनुसार तो वही जीता भाई। बस इतना सही ना? ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, हम 10 साल से साथ में हैं, इतने सालों में कभी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? हर बात पर आप बस इतना सही ना, बस इतना सही ना यही बोलते रहते हैं। इतने बड़े टाउन में ये बस्ती कितना सा है, और इस बस्ती का ऑफिसर सूर्या क्या चीज है? इतने सारे मर्डर केस अभी तक सुलझे नहीं है, अब वो भी मर्डर करेगा, अब से हमें मर्डर केसेस के लिए रेडी रहना पड़ेगा। बस इतना सा है। भारी भरकम शरीर में दिल इतना छोटा, इस बस्ती को तुमने सिर्फ 300 एकड़ का कंपाउंड और 600 करोड़ का व्यापार समझ रखा है। रेती, दारू, चंदन, रेशम, सिगार से लेकर मंत्री की कुर्सी तक 1000 करोड़ के नकली धंधों का साम्राज्य है ये, और इस काले साम्राज्य को चलाने के लिए इस दरबार के नवरत्न हैं ये लोग। अगर इन्हें कुछ हुआ तो इस शहर में आग लग जाएगी। इस चलती हुई व्यवस्था में अगर एक ने भी रंग बदला तो पूरी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। मेरे वापस लौटने तक दिमाग में इस बात को घुसा लो और खुद को मजाक बनने से बचा लो कमिश्नर। उस सूर्या के सवालों के जाल में उसे ही उलझाकर उसकी बलि चढ़ा दो। भेजे में बात घुसी। यूनियन के पैसे हड़प कर किस किस को लूट लिया? सीधे सीधे उन सबका नाम बताओ। बताना क्या कर रहे हो तुम लोग? इंसान हो कि जानवर हो, यहाँ पर लड़कियाँ हैं। क्या बोल रहे हो? इनके ही अकेले
की लड़की है क्या? हमारे घर में लड़कियाँ नहीं है। बिजनेस के नाम पर यूनियन का सारा पैसा ये और इसके आदमी मिलकर खा गए। हमारे डिपॉजिट के पैसे ही हमें वापस नहीं दे रहे। अभी स्कैम के बारे में क्या कहना चाहते हो? अपना मुंह बंद रख, इस स्कैम से इनका कोई लेना देना नहीं है, समझा तू? ये तो बीच में बोली गए जो इनका दामाद बनने वाला है। हाँ बोल रहे, बोल और बोल। बड़े स्कैम में पैसा देने वाले भी यही है, सबको आइडिया देने वाले भी यही है। बोलना बोलना, क्या चुप क्यों गया? हाँ बोल, फिर कभी याद दिखा तो जान ले लूंगा तेरी। निकल, ये लोग कौन थे तुम लोग जानते नहीं हो क्या? हाँ इसके पीछे भी नहीं गए थे, तुम्हें पता नहीं है? थू, तुम लोगों में और जानवरों में कोई फर्क नहीं है। तुम लोगों को ये लग रहा था कि तुम लोग इन्हें मारोगे तो ये तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे ना? अब किसी ने भी इन पर हाथ उठाया ना तो अपनी जान की कसम खाकर बोल रहा हूँ, एक एक को यमराज के पास भेज दूंगा। निकलो ऐसे। अरे ये क्या जबरदस्ती है? इस बस्ती में स्मगलिंग ही करवाता है। कोई स्मगलिंग नहीं, नहीं चलो। ऑटो पार्ट्स ब्लैक में बेचता है इसलिए देर तक कर रहे हैं। मैं ब्लैक में ऑटो पार्ट नहीं बेचता हूँ सर, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए सर। जीप में बैठ, चल। सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया। काला धंधा करने के जुर्म में तेरी सारी लॉरी सीज कर रहा हूँ। सुन, सुना है तू सीएनजी के नाम पे बॉम्ब बेचता है? बॉम्ब नहीं सर, फ्यूचर फ्यूल है सर। अच्छा, हाँ? हमारी वजह से गाड़ी बिगड़ने की आपके पास किसी ने कंप्लेंट की है क्या सर? नहीं तो कोई मर गया है क्या सर? इधर आ तू, इधर आकर खड़ा हो जा। हाँ खड़ा होता हूँ। मतलब कि किसी के मरने का इंतजार करूँ मैं? चल, मैं इंडिया टाइम्स का पत्रकार हूँ, इस मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बाजार पर बरसे कमिश्नर नायडू, इस बस्ती में हो रहे अन्याय को रोकने वाले मैं हूँ वीर नायडू। इस गैरेज की जमीन डिस्प्यूट में है, समझ में आया? 30 साल पहले की जमीन पर कैसे डिस्प्यूट है सर? तुम्हारे जमीन का मालिक मर गया, उसकी बीवी, बच्चे, भाई बहन, बेटी, दामाद, सारा खानदान 36 लोगों का है। उन सब की दस्तखत के बिना ये जमीन तुम्हारी नहीं हो सकती। वैसे भी तुम्हारे वाहन से निकलने वाले धुएं के कारण वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसी कंप्लेंट आई है। लेकिन बैटरी से धुआं कैसे आएगा सर? मुझे कैसे पता होगा रे बांवले, तुझे जेल में ले जाकर टेस्ट करूंगा, तब पता चलेगा कि धुआं निकलता है या कुछ और। ए, इसकी गाड़ी भी सील कर दो। सर सर सर, आरटीओ का क्लियरेंस सर्टिफिकेट, एग्जॉस्ट, ट्रेनिंग, सारी डिजाइनिंग, हमने सब कुछ दिखाया, और क्या चाहिए सर? आरटीओ का एक सर्टिफिकेट काफी नहीं है बेटा, और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट चाहिए। सर, क्या बोल रहे हो? ये पुलिस यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं, ये सिर्फ गैरेज को सील कर सकते हैं लेकिन इस दिमाग को नहीं। आप कीजिए सर। यूनिफॉर्म में आए हुए गुंडे हैं, हमारे कानून की ताकत क्या है जानते हो? वो जिसके भी हाथ में है वही इस्तेमाल कर सकता है, मर्डर भी लीगली कर सकता है। तुम्हें आज शाम तक का टाइम देता हूँ, इन सारे डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिए जिसमें लिखा होगा इंदर भाई की मेहरबानी से तुम लोग इस बस्ती में जी रहे हो, मैटर क्लोज। वरना हमारे पास एक और रास्ता है, परसों यूनियन में हुआ मर्डर भी तुम्हारे गैंग ने किया है ऐसा रिपोर्ट लिखवा दूंगा। 16 साल की उम्र में ही तूने मर्डर किया, तुझे अंदर करवाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बदल जा वरना महंगा पड़ेगा। कम ऑन। ए भाई, कंप्रोमाइज कर लेते हैं यार। मतलब? उसने जो कहा वैसा ही करते हैं, सबकी तरह ब्याज देंगे, फाइनेंस लेंगे, प्रोटेक्शन लेंगे, जितना मिलेगा उसी में एडजस्ट कर लेंगे, नहीं तो भाई इतना भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही है तो ये गैरेज भी मुझे नहीं चाहिए, तू ही देख ले मामू। इंसान को अगर सिर्फ जीना ही है तो जंगल के जानवर खाके भी जी सकता है। अरे क्या यार, अब हमको क्या करना है बताए बिना ही चला गया ये। अरे इसी को तो हीरो माना था ना हमने। क्या कह रहा है? तुम लोगों को कब तक ढोता रहेगा वो? सब लोग जब तक साथ नहीं रहोगे कुछ भी नहीं होने वाला। अभी चलो साथ में कलेक्टर ऑफिस में नारा लगाते हैं, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी नहीं चलेगी, पुलिस की दादागिरी। ऐसे गधों की तरह क्यों खड़े हो भाई? वहाँ गए तो कमिश्नर हमें भी अंदर डाल देगा। ए, हमें उस इंदर के भाई के साथ मिलकर पहले की तरह ही धंधा करने में भलाई लग रही है, चलो यहाँ से। चलो चलो चलो। कुत्ते की दुम है ये लोग, 12 बरस नलकी में डाल के रखो फिर भी नहीं सुधरने वाले, कुछ भी नहीं होने वाला इनका।
यहाँ कोई सिनेमा चल रहा है क्या? सो जाओ। कि जब से आया हमारी जिंदगी में आग लगी हुई है, इसके आने से जिंदगी जहन्नुम हो गई है। लेकिन दोस्त, इसके आने के बाद ही हम लोगों ने जीना सीखा है। मामू ने सही कहा यार, तुम लोग इंदर के पास चले जाओ। मैंने तो सिर्फ डिग्निटी ढूंढने को कहा था, मौत को नहीं। अकेला इंदर मौत का डर नहीं है। पैदा होने वाला हर जानवर मरते दम तक बस मौत से लड़ता ही रहता है। जिसने मौत का सामना किया ना, वही असल में शेर होता है। यार मेरे से गलती हो गई, अब आगे क्या करना है ये बता हमें, बोल। कल 15 अगस्त है ना, मतलब देश को आजादी मिली थी, तुझे पता नहीं है? छोटे सरकार। इसका बाप इस शहर के लिए बीमारी है, ये पूरे देश के लिए बीमारी बनने जा रहा है। छोटे सरकार। छोटे सरकार। आतंकवादी लोग ने हमला कर दिया, चलो यहाँ से निकलते, मुझे ये बचाओ जल्दी। अरे भाई डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ में हूँ। अरे भाई डरो मत, शांत हो जाओ भाई। मुझे छोड़ दो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग कौन हो? मेरी बात ध्यान से सुनो, इस ट्रेन के उस पार मेरे आदमी खड़े होंगे, अरे वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, तुम सबको कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ये रजनीकांत के सिवा किसी की फिल्म देखता नहीं है लगता है। ये वहाँ पे हजारों की संख्या में हमारे आदमी घूम रहे थे, यहाँ पर एक भी नहीं है, कहाँ मर गए वो सब? लोग अगले गेट पे वेट कर रहे होंगे बेटा। ए, तू मेरे बाप को नहीं जानता, वो तुम लोगों को जिंदा फ्राई कर देंगे। उससे कहना ऑयल कम डाले, वैसे ही बहुत फूला हुआ है। मेरी बात सुनो, मैं भी गुंडा हूँ, मैं भी एक गुंडा ही हूँ। भाई मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसके साथ में रहकर बिगड़ गया हूँ। भाई मेरी बात सुनो, एक रेपिस्ट है मेरे सामने, इसने रेप किया है भाई, ये लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करता है, भाई मुझे छोड़ दीजिए। अरे इतनी जल्दी रंग बदल लिया? भाई मैं बहुत फास्ट हूँ, मैं इसके जैसा गधा नहीं हूँ, इसको खाने के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। भाई इसने ही मुझे बिगाड़ा है। भाई ये रेपिस्ट है, मार दो इसको, मार दो। तू तो पैदाइशी कलाकार है यार, जल्दी बॉलीवुड तक पहुंच जाएगा, बस ये ओवर एक्टिंग बंद कर दे और जैसा बोलता हूँ वैसा कर। कौन है? पिताजी, छोटे भाई को उठा के ले गए। क्या हो रहा है बेवकूफ, कौन उठा कर ले गया? सूर्या की गैंग वाले। देखिए जी, अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। अरे कोई तो जाकर पूछो कि उनको क्या चाहिए। महाराजा श्री इंदर जी, सूर्या का संदेशा ध्यान से पढ़िए। अरे पागल जीजा जी, हाँ? तेरे घर का चिराग वापस घर में लौटने के लिए हम पर लगे सारे गलत इल्जाम हटा लो, हमारे नीलामी के सारे गाड़ी वापस कर दो, मेरे मामा के फाइनेंस का सारा पैसा वापस दे दो। रात के 12 बजे टर्नर रोड पर छठवें रिंग के पास एक्सचेंज होगा, लेकिन एक डायलॉग दीवार पर ध्यान से लिख ले, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन डरता है जानता है? डराने वाला, उसको डर के अलावा कुछ नहीं आता। आजा आज तेरा खेल खेलते, कौन जीतता देखते। तुम्हारा प्रिय नट फिट करने वाला सूर्य। बच्चों के लेटर को बहुत ही एक्सप्रेशन के साथ पढ़ रहा है क्या तू? इन लोगों का कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त करना ही पड़ेगा, ये लोग हद से ज्यादा उड़ रहे हैं, इनकी लेवल तो। जीजा जी, जानते हैं क्या गाली दे रहा दीदी को? क्या बोला बे? ऑटो में काम करने से पैदा हुआ वारिस और उसकी याद में मरी जा रही है। सत्यानाश,
गया। नोट भी पढ़ लेते हो क्या? ऐसी बातें पढ़ी नहीं जाती हैं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। पता नहीं कैसे। अरे फिर से बोला, गलती हो गई यार, जा जा। उसने लेटर में जो भी लिखा है वो तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन आखिर में नट बोल्ट क्यों लिखा है उसने, तेरी समझ में आया क्या? नहीं जीजा जी, आपको बुरा लगेगा। अरे बता ना, तुम्हारी फट जाएगी। बोला, दीवार पे लिख दूं क्या मैं? लैंड डॉक्यूमेंट्स, कॉर्पोरेट पेपर्स, कमीशन रिपोर्ट्स, आरटीए क्लियरेंस, सभी आईने की तरह साफ है बेटा। अगर मुझसे पूछो तो इस टेक्नोलॉजी को राष्ट्रपति अवार्ड मिलना चाहिए। नहीं चाहिए सर, हमारा काम हमें करने दीजिए। क्यों रे, सच में कॉम्प्रोमाइज कर लिया या कोई मीटिंग रखी थी? सर मेरे स्टाइल में तो कॉम्प्रोमाइज ऐसे ही होता है। अब जिसके हाथ में कानून है वो तो उससे अपने हिसाब से खेल रहा है, मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, गाड़ियों के नट बोल्ट ढीली करेगा? आप अपनी ड्यूटी कीजिए सर, ऊपर वाला सब देखता है। ओ, अब निकलो यहाँ से। थैंक यू। तू मुझे जानता नहीं है। चुप कर। ऐसे घूर कर क्या देख रहा है तू? तुझे किडनैप करने का प्लान मैंने बनाया था बेटा, थोड़ा डरने की कोशिश कर। ए, डर क्या होता है? ये देख, मैं डर गया। हमारा बेटा कहाँ है? पहले ये बैग मुझे दे भाई, सब सही है, पैसा पेपर सब, निकलो यहाँ से, चलो। अरे 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 अरे, रुक, ये जल्दी ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो, जल्दी, छूटना नहीं चाहिए, जल्दी से। अरे मार दो उसको। ओए तेरी तो, फुल सेटअप से आए ये लोग। ये कौन है? तू है? तुम हो? जीजा जी, अरे हमारा बेटा, हमारे बेटे को लाओ। बेटा, मेरा बेटा कहाँ है? ए, मेरा बेटा यहाँ नहीं है, उन्हें छोड़ दो, कुछ मत करना। अरे तू इन लोगों के हाथ में कैसे फंस गया? हुआ यूं कि रात को ब्रोकरेज मामले में रिसर्च कर रहा हूँ ना। क्या इसी यूनिफॉर्म में? एंटर करने से पहले तो यूनिफॉर्म था, रेट डालते वक्त निकाल दिया आपने। वैसे सर को अपने यूनिफॉर्म पे बहुत ज्यादा फक्र है। ऐसे कैसे कर सकते हो भाई? ये अन्याय है, गलत है। तुम इंसान हो या पुलिस हो, अपनी बात से पलट क्यों जाते हो? अच्छा, जरूरत पड़ने पर बहुत अच्छा भाषण देते हो। तुम में थोड़ी इंसानियत है या नहीं देखने के लिए छोटा सा टेस्ट रखा था, तुम तो फेल हो गए उसमें। ये लो पकड़ो, एक और डिमांड लिस्ट। हमारे बेटे को कुछ हुआ तो तेरा क्या होगा जानता है? इसके दिल में तुम्हारे बेटे को बचाने की इच्छा नहीं है। तुम और टांग मत अड़ाओ, तुम्हारी वजह से मेरे जीजा जी की चल रही है। तो पानी डाल देना। जीजा जी, अब कान खोल कर सुन लो, बर्बाद करना है तो कोई भी कभी भी किसी को भी बर्बाद कर सकता है। अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। ये जो जल रही है ना, तुम्हारी एजेंसी की लॉरी है भैया, बचा लो। क्या है ये, इतनी बड़ी बेइज्जती, एक पब्लिक ऑफिसर होकर इतनी गिरी हुई हरकत करते हो? जनता के नजर में क्या इमेज होगी हमारी? इमेज का क्या है सर, कि जनता सिनेमा देख देख के ऐसी हरकतें करने लगी है, बेवजह में आप टेंशन ले रहे हैं। सर पिछले 6 महीने से ब्रोकरेज का धंधा बहुत तेजी से चल रहा है, स्टडी करने के लिए मैं भी एक ग्राहक बनकर अंडरवियर पहन कर गया था। अब आप ही बताइए सर, अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर सिंसियरली काम करने वाला पुलिस ऑफिसर हूँ, ये छोटी मोटी बेइज्जती सहनी पड़ेगी सर। अंकुश सिनेमा कैसे बनी जानते हैं सर? मेरे करेक्टर को देख कर बनी है। ठीक है, यही डायलॉग कल प्रेस के सामने पैर हिलाते हुए बोल पाओगे तुम? पैर हिलाकर ही बोलूंगा सर, 1-2 दिन के सस्पेंड के बाद मैनेज करता हूँ। ओके सर। ये मामा जी के पैसे हैं जो उन्होंने इंदर को दे रखे थे, बोलिएगा आज के बाद से वो अपना सर उठाकर बाहर निकल सकते हैं, यूनियन के स्कैम में उन्हें कोई दोषी नहीं कहेगा। तुम पहले अंदर तो आओ बेटा। बैठो बेटा। पल्लवी जरा कॉफी बनाना बेटा। ठीक है माँ। जल्दी से पी लो। पिताजी तो ऐसे ही हैं, तुम्हें शादी में नहीं बुलाएंगे, लेकिन तुम जरूर आना, मुझसे वादा करो।
हाँ आऊंगा, लेकिन पहले तुम अपना स्टाइल बदलो। जरा अपनी बहन को देखो, हमेशा अपने ही स्टाइल में रहती है। माँ मच्छर काट रहे हैं, जरा मॉस्किटो कॉइल लगाना। तो तुम्हें शादी का कार्ड देने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, देना तो पड़ेगा ही ना बेटा। कार्ड तो अपनों से दूर वालों को देते हैं, मैं तो आपका अपना हूं। रुक जाओ, तुमने जो सेटलमेंट किया था उसका कमीशन, मेरी इस परिस्थिति का कारण तुम ही हो। रिश्तेदारी के नाम से बार बार यहां मत आना। घर में शादी के लायक एक लड़की है। आपने ये ठीक नहीं किया पिताजी। अपना मुंह बंद रखो, परिवार में की हुई एक गलती ही काफी है। उसके साथ ज्यादा घूमना मत, आने वाले रिश्ते भी टूट जाएंगे। टूट जाने दीजिए, मैं भी यही चाहती हूँ। एक बार उसके माँ बाप को तलवार से मारने निकला था मैं, पैर धोकर कन्यादान नहीं करूंगा। आज आपको क्या हो गया पिताजी? सॉरी सूर्या। किस लिए? मेरे पिताजी की बातों के लिए। वो मुझसे अच्छे से बात करेंगे, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सिर्फ 2 मिनट। वो 2 मिनट तुम्हारे घर में बैठकर मुझे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। वो मेरे घर जैसा लग रहा था। तुम सब बिल्कुल मेरे अपने जैसे लग रहे थे। जाओ सिमी, मेरा अकेलापन ही मेरी ताकत है, तुम मेरी वीकनेस मत बनो। मुझसे शादी करोगे? मन चली जिस दिन तुम्हारे पिताजी मानेंगे उस दिन करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मेरे परिवार वाले हमारी शादी होने देंगे। पिताजी इस शादी के खिलाफ है और वो मेरी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। अगर हमें शादी करनी है तो यहाँ से भागना होगा, और मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। सारा पैसा लूटने वाले सारे लोग खुद सरेंडर होना चाहिए। 10 साल पहले भूमि पूजन किए हुए सारे कामों का 30 दिन में रिबन कट करना चाहिए। तुम्हारे चक्रवृद्धि ब्याज के चक्कर में 3 गुना ब्याज भरे सारे बॉन्ड्स रद्द करने चाहिए। और इस बस्ती में लेटर को पढ़कर कितनी बार दिल को दुखोगे रे? अरे ये बताओ कि मेरा बेटा कब आएगा? उसकी सारी डिमांड पूरी करते जाओगे तो हम गधे बन जाएंगे और वो हीरो बन जाएगा। उसके बाद हम सबकी जिंदगी घर के आंगन में बैठकर कटेगी, फिर रोते रहना उसके नाम से। इस लेटर के हिसाब से मेरा प्यारा बेटा कम से कम 30 दिन में वापस आएगा। हे भगवान, इन गुंडों की वजह से मेरा प्यारा बेटा, उसका क्या होगा? भैया भैया, हमारे सारे धंधे बंद करा दिए गए, सारे के सारे काम बंद हो चुके हैं। देखा ना आपने, भाई की बात मानकर घर में बैठे रहोगे तो वो सर पे आके नाचेगा। जीजा जी, उसकी सारी शर्तें मान लो, उसके पास अपना बेटा है, वारिस है अपना, मार रहा होगा उसको। तुम्हारा सिर तो ठीक है ना? मेरा सर तो ठीक ही है, वैसे भी इस इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अब तक इस यूनियन स्कीम की बहुत पब्लिसिटी हो चुकी है। वैसे भी 2 साल बाद इलेक्शन रखकर अभी समझौता क्यों कर रहे हो? असली मैटर वो मेयर जानता है? मैं बात कर लूंगा। पहले हेडलाइन लिख लीजिए, असली चोरों पर आग बबूला हुए कमिश्नर। कलेक्टर जी के आदेश से इन सबको आज ही जिला कोर्ट लेकर जा रहे हैं। हमारे शहर में कानून के खिलाफ काम करने वाला चाहे जो भी हो, आप हेडलाइन बदल दीजिए, असली चोरों पर आग बबूला हुए कलेक्टर। कॉर्पोरेटर इंदर जी की जय। भैया स्वागत है। सूर्या की शुरू की है बैटरी के बिजनेस को, मेरी तरफ से और हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा। बेटा सही सलामत है ना? भैया आप फिक्र मत। मोती जी हमारे बेटे को बहुत पसंद है। कल आते वक्त 2 जोड़ी कपड़े भी लेकर आइएगा, आपके बेटे को रेडीमेड कपड़े हो नहीं रहे।
ये क्या है भाई, इतना ऊंचा कटआउट लगाए हो, इसकी शक्ल भी नहीं दिख रही है। कौन है ये पितामह? आप ही हैं भैया, हमारी तरफ से छोटा सा तो। अरे मेरे प्यारे, हमारे लेन देन के बीच इतनी खातिरदारी है क्या? इसको जल्दी से हटा दो, अगर मियर ने देख लिया ना तो वो सोचेगा मैंने दूसरा बिजनेस शुरू कर दिया। वजह से लगाया भैया। अरे तेरे स्वागत सत्कार को आग लगे, इसकी भी ओपनिंग मेरे से ही कराएगा क्या? कोऑपरेशन का मतलब यही होता है, सब करना पड़ता है। भैया की जय। देखोगे तो ये लोग फोटो भी खींचेंगे। तू चुप रह, चुप रह, नहीं तो गर्दन तोड़ दूंगा। ओके ने चलो चलो चलो, भैया के हाथ में आप अच्छी तरह से फंस गए ना भाई। चल निकल यहाँ से, ये ले पकड़। ओके नेक्स्ट। ये ग्रीस हटाने के लिए 25 लाख रुपए से कम नहीं खर्च होंगे, ये नहीं होगा, चलो जाओ। इसके लिए ही 25 लाख सैंक्शन करवाया है, जितना बोला उतना करो, एक्स्ट्रा करोगे ना तो तुम्हारे बेटे के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? राजकुमार जी, नाश्ते का टाइम हो गया, आपका पसंदीदा नाश्ता। लड्डू खाओ। राजकुमार जी, लंच टाइम हो गया, लड्डू खाइए। लंच में भी लड्डू खाओ। युवराज, फिर से लड्डू। शाम के नाश्ते में भी लड्डू, लो खा लो। राजकुमार, डिनर टाइम हो गया, लड्डू लो। मैं अब नहीं खाऊंगा, हमेशा लड्डू ही मिलेगा, खा। युवराज, तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, बताओ क्या है? वो है लड्डू। जय जय जय। अब बात करते हैं ब्रह्मानंदम की। लिया हुआ असल 2 लाख है, भरा हुआ ब्याज 6,60,000। हमसे ही पैसा वसूल कर और हम ही से ब्याज खाकर बॉन्ड पेपर ऐसे दे रहा है जैसे दान दे रहा हो। खड़ा हो जा, उधर देख, जिसके भी पेपर है उनके बीच जाकर हाथ जोड़कर उन्हें देकर आ, चल जा। सलीम पाशा, लिया हुआ असल 3 लाख, भरा हुआ ब्याज 9,14,000। दिलीप प्रसाद, लिया हुआ असल 5 लाख, भरा हुआ ब्याज 16 लाख। छगनलाल गहलोत, लिया हुआ असल 3 लाख, भरा हुआ ब्याज 11 लाख। दयानंद स्वामी, लिया हुआ असल 2 लाख, भरा हुआ ब्याज 9,90,000। तुम्हारी शर्तें पूरी हो गईं, अब मेरा बेटा कहाँ है बताओ? बताऊंगा, लेकिन उसे लौटाने के बाद ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, इसकी तुम क्या गारंटी दोगे? मैंने बोला था ना, ये एक नंबर का पलटू है, तुम्हें उल्लू बनाया इसने। तुम्हारा बेटा मरे तो मरे, लेकिन मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। क्या गारंटी चाहिए तुम्हें बताओ? ओके, छोटी सी अनाउंसमेंट है। पिछले 4 हफ्तों से एक अच्छे कॉर्पोरेटर का काम करने वाले हमारे इंदर भैया आज एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वो इस बस्ती के प्रतिनिधि के लिए सिटी काउंसिल में हमारी ओर से वोट करेंगे। अब हमें आजादी मिल जाएगी, खुशियां मनाइए। ये क्या बक रहा है तू? तू मुझे मेरी कुर्सी से अलग करना चाहता है, तुझे इस तरह की गारंटी चाहिए? ये बस्ती एक बिजनेस कम्युनिटी है और यहाँ पर होने वाले सारे काम तुम्हारे ही अंडर में हो रहे हैं। हमें इस बस्ती को एक नया रूप देना है और इसके लिए ही हमें चाहिए गारंटी। निकलो काउंसिल में, बिना वोट के इस कंपाउंड में कदम रखना है तो मिलिट्री के साथ आना पड़ेगा। सर रुकिए, सर 1 मिनट सर। इन कुत्तों को किस सूटकेस को देखकर भौंकना चाहिए, किस पर नहीं, पहले ये सिखाओ। नॉनसेंस। नसीब, क्या हो रहा है तेरी दुनिया में? उल्टी गंगा बहने लगी है क्या? सेटलमेंट्स शुरू हो गए, वसूली रुक गई, फाइनेंस का दिवाला निकल गया, कॉरपोरेशन का सारा पैसा जनता की सेवा में खर्च कर दिया। क्या हो रहा है तेरी दुनिया में? बस्ती में दहशत फैलाकर राज करने वालों के हथियारों में जंग लग गई है क्या? नट का मतलब नट नहीं है, मेरी जान फंसी हुई है भाई,
कितनी मन्नत से मुझे बेटा हुआ था उसे किडनैप कर लिया है। आहा, अब आई बात समझ में। बेटा किडनैप हो गया है इसलिए तू सर्कस के बंदर की तरह नाच रहा है। अब और इसीलिए तूने ये भी कहा है कि मैं काउंसिल में उनकी तरफ से वोट दूंगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो जबरदस्ती भी हमसे ऐसा करवा सकता है भाई। इसका मतलब अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, यही कहना चाहते हो ना? 25 साल पहले जिस इंद्र की भोलेश्वर मार्केट में औकात चार आने थी, सिर्फ 1 रुपए के किराए के लिए यूनियन लीडर का खून कर दिया, 1 दर्जन और खून, 100 से भी ज्यादा सेटलमेंट्स, 16 से भी ज्यादा यूनियंस का प्रेसिडेंट बना हुआ इंद्र 10 साल से कॉरपोरेट की सीट पर बैठकर किसी के मुंह से चू तक की आवाज नहीं निकलवाता, 600 करोड़ की साम्राज्य को सामंत राजा की तरह पालने वाला इंद्र अब 4 बच्चों के हाथ में 4 हफ्तों में बर्बाद होकर पसीने से लथपथ मेरे कदमों में बैठा है। मतलब बीते 25 सालों में उसने जो कुछ भी हासिल किया था सिर्फ 4 हफ्तों में खो दिया, सच है ना इंद्र? हाँ, तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो लेकिन मैं नहीं। तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, मिलेगी, मिलेगी। भूल गए तुम, मैं जब बकरे को हलाल करता हूँ तो कसाई से भी ज्यादा खूंखार हो जाता हूँ। अपने गुलामों को कब तक जिंदा रखना है और कब हलाल करना है ये मैं जानता हूँ। बेटे को वरासत सौंपना चाहता है, ये बस्ती तेरे बाप की जमीन है क्या? इस मजाक को अब मुझे ही खत्म करना पड़ेगा। अरे जलवा जलवा बच कर रहना रे बाबू, प्यार करने की कोशिश न करना, बच कर रहना ए बाबू, बच कर रहना। सूर्या, सूर्या, सिमी, 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 सिमी क्या हुआ? सिमी क्या हुआ? सिमी पिताजी, पिताजी, सिमी। हेलो सूर्या, मेयर। इस आवाज वाली शरीर के टुकड़े टुकड़े देखने की कसाईपन तुझ में है तो मेरे आदमी को मार कर ले आ, नहीं तो 2 घंटे में ये बस्ती पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। मेरा बेटा कहाँ है? पहले उन्हें छोड़। अच्छा, नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? मार डालेगा, मार डालेगा। मामू, पिताजी मुझे बचाइए, पिताजी, पिताजी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, ठीक है ना? मेरा बेटा, चलो चलो। पिताजी ने मुझे बहुत चोट दी है, पिताजी मुझे बहुत मारा। इसको और इसके आदमियों को मार डालो। मामा जी, मामा जी, hey, हॉस्पिटल लेके जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, सूर्या। देखो, यही है ना तुम्हारा हीरो? इस हीरो के बल पर ही बोल रहे थे ना, अब आकर देखो। चूहे की तरह बिल में क्यों घुसा है रे? बाहर निकल। ये बस्ती तुम्हें चाहिए ना, ये बस्ती तुम्हें चाहिए ना, बाहर निकलो। अगर किसी में दम है तो बाहर निकलो, बचा लो अपने हीरो को, बचा लो। Oh, my God.
इस बस्ती के सूर्य का चैप्टर क्लोज। अरे चला, मिलिट्री लेकर आने के लिए बोल रहा था ना, अब देख तू, यही है मेरी मिलिट्री। 4 हफ्तों में जो तूने मुझसे लिया है उसे मैं 4 घंटे के अंदर तुझसे ले लूंगा। इस बस्ती के चारों ओर तेरे एक एक आदमी को जिंदा जला कर बिखेर दूंगा और उसके बाद तुझे भी मैं जिंदा जला डालूंगा। ये बस्ती सूर्य की है या इंद्र की है? इंद्र भाई, 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 इंद्र भाई। Thank you.
सूर्या, सूर्या मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो सूर्या, सूर्या सूर्या मुझे माफ कर दो सूर्या, नहीं नहीं सूर्या, सूर्या मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सारा शहर एक जंग का मैदान बन गया है, पूरी बस्ती को इंदर और उसके भाई मारे गए हैं। बस्ती में बस के लिए इतनी बड़ी जंग पहली बार हुई है। ये बात कह रहे हैं व्यापारी आज मुंह छुपाकर भागने लगे हैं। मेरी बात तो सुनिए, ये हादसा बहुत ही दर्दनाक रहा। 24 साल के सूर्या का नाम इस हादसे के बाद बहुत ही प्रबल होने लगा है और सारी बस्ती खून से लथपथ हो गई है। अरे तुम लोग क्या कर रहे थे तब? हमने पूरी कोशिश की सर। इंदर और उसके भाई के खून के पीछे आपका हाथ है, ऐसी खबर आ रही है, इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है? आपको और इंदर का झगड़ा कब से चल रहा है? ये लफड़ा यहीं रुकेगा या मेयर और आपके बीच चलता रहेगा? इंदर को आपने मारा या जनता ने मारा, बताइए हमें। एक 4 साल के बच्चे ने मारा है इंदर को। जो आप लोगों ने देखा वो सब झूठ है। एक अंधेरी रात में जा रही रेलगाड़ी में सो रहे एक 4 साल के बच्चे ने मारा है इंदर को। 20 साल पहले हिंसा की वजह से अपने माता पिता को खोकर सारी दुनिया में अकेला हो गया एक छोटा सा बच्चा। गलियों में, नालियों में, गाड़ियों के बीच अपनी हैसियत ढूंढता हुआ एक छोटा सा बच्चा। आज आपके सामने दिखाई देने वाला वो गुंडा, वो राउडी, 6 घंटे में 26 लोगों को मारने की शक्ति रखने वाला वो गुंडा, किसने मारा है उस इंदर को ये जानकर क्या कर लोगे सर? हर रोज कोई ना कोई मर रहा है, हर रोज कोई ना कोई मार रहा है, क्या कर लोगे ये जानकर? हिंसा करने वाला हिंसा से ही मरना चाहिए, यही हमारे कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। ये कानून ही हिंसा का हिस्सा बन चुका है, इसलिए तो इंदर जैसे लोग दिन दहाड़े गली में कुत्तों की तरह मारे जाते हैं। 4 साल के बच्चे के हाथों भी मारे जाते हैं, समझ में आ गया हो तो लिख लो, वरना यूं ही टाइम पास करने का वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। वो कहता था ना सिमी को तुझे सौंप के। सुनिए, अब ये बस्ती एक परिवार जैसा है, इसमें कई जाति के लोग हैं, सबको भाई बनकर रहना चाहिए। अगर वही भाई लोग एक दूसरे को मार कर मरेंगे तो उस परिवार का क्या होगा, आप लोग ही बताइए। इसलिए मैं और कलेक्टर जी चर्चा करके एक मुद्दे पर आए हैं, और वो ये है कि दो भाई जिस तरह से जायदाद का बंटवारा करते हैं, तुम लोग भी एरिया के हिसाब से बंटवारा कर लो। सूर्या, यहाँ सीरियस बात हो रही है और तुम क्या सोच रहे हो? मैं भी यही सोच रहा था सर, यहाँ कौन किसका बड़ा भाई होगा और कौन किसका छोटा भाई होगा। इन दोनों की नजरें मिल चुकी है, दिल खोल कर बात करना चाहते होंगे, बीच में हमारा क्या काम है, चलो निकलते हैं।
तुम्हारी फॉलोइंग देखकर मैं सोच रहा था तुम्हारी बॉडी बहुत मजबूत होगी। मेरी बॉडी कैसे दिखती है इस पर मत जा मेयर, वरना बहुत पछताएगा। तुम्हारे आदमी भी मर गए और मेरे भी मर गए, बाकी भी मरेंगे तो सिर्फ हम बचेंगे। टाउन के मेरे बिजनेस पर अपनी टांग मत अड़ाओ। इस बस्ती पर तुम राज कर लेना। इस बस्ती पर राज करने के लिए मैंने इंदर को नहीं मारा है मेयर, सूरज की तरह इस बस्ती से अंधेरा दूर करना है। परसों तक तो मैं अनाथ था, कल तक गैरेज में काम करने वाला लड़का, आज तुम्हारे ही काउंसिल के आधे मेंबर्स और टाउन के आधे लोगों के सपोर्ट से यहां पर पहुंच गया हूं। अरे कॉम्प्रोमाइज तो मुझे नहीं बल्कि तुझे करनी चाहिए। कंडीशंस रखने वाला तू नहीं बल्कि मैं हूं। तुझे क्या लगता है मैंने तुझे नहीं पहचाना मेयर? मैं सब जानता हूं तू यहां पर क्यों आया है। तू यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने नहीं आया है, बल्कि तू यहां पर यह देखने आया है कि तेरे सपने का दुश्मन सच है या नहीं। तुझे ये ख्याल सता रहा है कि एक 4 साल का बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे बन गया कि वो तेरे अस्तित्व को आज तेरे सामने ललकार रहा है। तू तो ये सोच के यहां पर आया था कि हो सकता है मैं वो लड़का नहीं हूं, लेकिन मैं वही हूं मेयर। तेरी गलतफहमी दूर कर देता हूं। वो दहलीज पार करने से पहले एक बात जान ले, तेरा दुश्मन सच है, तेरा डर भी सच है और तेरी आने वाली मौत भी सच ही होगी। तू कौन है जाने बिना ही मैं तेरी व्यवस्था से भिड़ गया, लेकिन पहले मैं उस व्यवस्था को ही मार दूंगा। कल मैं इस बस्ती से लेकर भवानीपुर तक एक रैली निकालूंगा, किसी और को यहाँ का कॉर्पोरेटर बनाऊंगा और सिर्फ एक ही हफ्ते में, सिर्फ एक हफ्ते में तुझे मेयर सीट से हटाकर एक जिंदा लाश बना दूंगा, लाश। खबरदार। और क्या बोला था, कॉम्प्रोमाइज के लिए आया है? हाँ, आधे ग्लास दूध में आधा ग्लास जहर मिलाने के बाद वो दूध दूध नहीं होता, जहर हो जाता है। तेरी चाल समझता हूं मैं। पोजीशन क्या है? समझ गया, दलाली के केस में अंदर कर देंगे तो इलेक्शन होने तक मैनेज कर सकते हैं। उसने मुझे उतना टाइम नहीं दिया है। अगर उसे दिमाग से मारना है तो उसके छोटे छोटे वीकनेस ढूंढने होंगे। जानता हूं। ये बस्ती एक जंगल है, एक बहुत ही घना जंगल है। ये मेरे और मेयर के बीच हो रही जंग नहीं है, बल्कि इंसान और जानवर के बीच हो रही जंग है। सॉरी भाई, वो क्या है ना कि लाइफ में आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। मुझे कॉर्पोरेटर बनना था ना, धोखेबाज कहीं का। तेरी परछाई बनकर घूमने वाला तेरा दोस्त तुझसे कितना अलग है देख लिया ना। सूर्या सूर्या सूर्या, इस नाम से मुझे नफरत है। 6 महीने में मेरे साम्राज्य की बुनियाद को हिला दिया, इसलिए नफरत है। वैसे भी तुम जैसे कीड़े मकोड़े किसी फिल्म के सस्ते हीरो की तरह शोर मचाकर चले जाते हैं,
लेकिन इस जंगल पर हमेशा शासन करने वाला, सबकी परवरिश करने वाला वो शेर मैं ही हूँ। अपनी इस छोटी सी जिंदगी का आखिरी सीन देखना चाहेगा तू? मैं तुझसे जितनी नफरत करता हूँ उतनी ही नफरत इससे करता हूँ। तेरी मौत में अपनी जीत नहीं देखी थी मैंने, मेरी जीत में तेरी मौत है। किस पे भरोसा किया और किसे खो दिया तूने?